Here is a man who comes from that powerful place. Powerful people come from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. powerful people comes from powerful places here is a man who comes from that powerful place Powerful people comes from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. Powerful people come from powerful places. Here is a man who comes from that powerful place. Powerful people comes from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. Powerful people come from powerful places. Here is a man who comes from that powerful place.

तो गुड इवनिंग योगेश गुड इवनिंग ठीक है तो अगर मैं बात करूं कि देखो एडज्वाइंट की प्रॉपर्टी की बात करते तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है जल्दी से क्लिक नहीं करती जैसे जो डिटर्मिनेंट है आपको पता है कि डिटर्मिनेट ऑपी एन की पावर एन माइनस वन है। आ, हमको ये पत, जरूर पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं इसका मतलब है ये नंबर होगा अगर मैं बात करूँ कि ये पहला जो प्रॉपर्टी है वो नंबर होगा क्यों नंबर होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होगा ये पहला वाला जो प्रॉपर्टी है वो नंबर है कोई भी एक नंबर इधर रियल नंबर सेकंड वन जो है वो डिटरमिनेंट नहीं है एड ज्वाइंट मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा इसलिए वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ये आपके पास जो है वो नंबर ये जो नंबर है बात तो हो रही है कि ठीक है जब हम एड के बारे में बात करते हैं कि यार एड आपके पास है एड के डिटर्मिनेट की बात करते हैं तो जस्ट आपको क्लियर है क्या क्लियर है सपोज करो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ मैं वन टू थ्री फोर ठीक है एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री और आपको पता है कि सर ये हमको पता है सर एक है, one, two, three, ये डायगोनल मैट्रिक्स है वन टू थ्री यस सर नहीं सर नहीं सर यस yes. देखेगा ध्यान से देखेगा जब मैं बोल रहा हूं कि यार इसमें तो कोई इशू है नहीं क्या इसमें इशू नहीं है अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एडजॉइट लिखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते पहले सर डिटर्मिनेंट क्या होगा तो डिटर्मिनेंट होगा फोर माइनस सिक्स फेवरेट है आपके पास तो माइनस टू आ गया बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा बोले सर डायगोनल मैट्रिक्स है सर प्रोडक्ट हो जाता है सर जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट हो जाता है तो सिक्स है इसमें भी कोई इशू नहीं है ठीक है इसका अगर मैं बोलूँ कि एड कितना होगा तो आप बोलोगे कि, कि सर एड में इसका कोई इशू नहीं है एड जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाते हैं और ये माइनस टू और माइनस थ्री एक्चुअली ये को फेक्टर का ट्रांसपोज बन चुका है और सर यहाँ पे अगर मैं एड जॉइंट बी लिखूँ तो अच्छा आप एड जॉइंट बी अगर आप यहाँ पर लिख रहे होड जॉइंट ए और एड ज्वाइंट बी आप अब एड जॉइंट बी लिख रहे हो तो आपको पता ही है कि तीनों डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आपको पता है वन के लिए निकालेंगे तो सिक्स आएगा हाँ सर पता है सर और टू के लिए निकालेंगे तो थ्री आएगा ये भी पता है सर लास्ट क्लास की बात है और थ्री के लिए निकालेंगे टू तो आएगा सर ये हमको पता है इसमें कोई इशू नहीं है सर ठीक है अच्छी बात है कि इसमें कोई इशू नहीं है इसमें कोई इशू नहीं है ये हमको अच्छी बात है ठीक है गुड अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इशू नहीं आना चाहिए कि सर ये कैसे लिख दिए सर आप एड ज्वाइंट कैसे लिख दिए है ना लास्ट क्लास यही पैंट किए थे हम लोग लास्ट क्लास यही पैंट किए थे अब मैं बोल रहा हूँ कि एड ज्वाइंट एक अगर मैं डिटर्मिनेंट करूँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करू तो क्या होगा सर ये फोर हुआ और ये कितना हुआ माइनस सिक्स सर तो कितना आ रहा है आपके पास सर माइनस टू आ रहा है ओके एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट करूं तो सर एडजॉइंट बी का जब आप डिटर्मिनेंट बोल रहे हो ना तो सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अठारह और टू सर थर्टी सिक्स सर ओके ओके थर्टी सिक्स आ गया ये एट ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे माइनस टू आ रहा है सेम आ रहा था ए के बराबर और लेकिन जब मैं थ्री क्रॉस थ्री किया तो सेम नहीं आ रहा है सेम नहीं आ रहा इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि ये सर डिटर्मिनट ए के बराबर आया हाँ और सर ये डिटर्मिनट ए का स्क्वायर के बराबर आया सर ओके ये लास्ट क्लास में भी बात चल रही थी अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में भी बात चल रही थी मैं बात भी कर रहा था ठीक है यस सर बिल्कुल सही है सर अब देखो आपके पास ये एडज्वाइंट आया इसका डिटर्मिनेंट आया अगर मैं फिर से इसके एडजॉइंट की बात करूँ इसी के एडजॉइंट की बात करूँ नेक्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है जब हम एडजवाइंट ए अभी आ चुका था आपका एडजॉइट ए क्या आ चुका था आपका फोर वन माइनस टू माइनस थ्री ये एडज्वाइंट ए था और ये एडज बी था ठीक है हाँ क्या था एडजवाइंट बी सर सिक्स थ्री टू सिक्स जीरो 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 थ्री जीरो और जीरो जीरो टू ओके और एडज्वाइंट ए क्या था फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है सर इसका डिटर्मिनेट भी आप फाइंड आउट कर लिए बोल रहा हूँ यार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा अच्छा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये तो मैट्रिक्स ही है? हाँ, सर. क्या टू, टू में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती सर वन फोर आ गया। फिर माइनस टू टू आ गया सर कितना आ गया? थ्री आ गया गया। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या है सर ये तो सर ए मैट्रिक्स है सर हाँ, A मैट्रिक्स बिल्कुल सही एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे में तो आप सोच सकते हो कि Adjoint of Adjoint A, A मैट्रिक्स होता है चलो एडजॉइंट ऑफ यहां पे कर लेते हैं सर एड ज्वाइंट ऑफ एड बी कर लेते हैं एड ज्वाइंट ऑफ एड बी कर लेते हैं सर सही है एड ज्वाइंट ऑफ एड बी करोगे तो सिक्स का कितना आएगा सर छ आएगा सर सही है थ्री का कितना आएगा सर बारह आएगा सही और सर दो का कितना आएगा अठारह आएगा सर ओके तो क्या ये ए है नहीं सर अगर मैं सिक्स को कॉमन लू सर तो one zero zero, ये आ जाएगा वन जीरो जीरो ये जीरो टू जीरो और ये जीरो जीरो थ्री सर मतलब कितना आया मतलब सर ये सिक्स ए आया सिक्स ए आया थोड़ा और पास लिख देता हूं सर सिक्स ए आ रहा है सर क्या सर एडजोइंट ज्वाइंट ऑफ एडजोइंट ज्वाइंट बी लेकिन वहां तो सर ए आ गया था हाँ वही बात है और टू क्रॉस टू था आपके पास ये आ रहा है देखो देखो जरा ध्यान से ये इतना देखिए आप ध्यान से इतना देख रहे हैं आपके पास यस सर

एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट सर वो तो वही आ गया सर कितना सर माइनस टू मतलब ए का डिटर्मिनेंट सर लेकिन क्या आपको लगता है कि जब मैं एडजॉइंट के एडजॉइंट का ये भी था हाँ सर कितना था ये सर डायगोनल मैट्रिक्स था सर छः बारह अठारह था छः बारह और अठारह था ठीक है सही है जीरो जीरो एटीन था ये अगर मैं सर इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो एडजॉइंट के एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट की बात करो तो कितना आएगा सर प्रोडक्ट सर सिक्स इंटू एटीन सर ये सिक्स इंटू टू बारह सिक्स और सिक्स इंटू थ्री सर यस सर तो कितना आ गया आपके पास सर सिक्स 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 का क्यूब इंटू सिक्स की पावर फोर आ रहा है पावर फोर आया ना हाँ सर लेकिन यहां तो ए आ रहा है डिटर्मनेट ऑफ ए आ रहा है तो ऑफ ए की पावर फोर आ रहा है देखो जरा ध्यान से यस सर इतना आ रहा है देखिएगा ध्यान से देखिए 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 इतना ही आ रहा है बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू क्रॉस टू में कोई इशू नहीं है टू क्रॉस टू में इशू नहीं है तो जब मैं बोल रहा हूं कि जब मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं तो कंक्लूड में आपको क्या दिख रहा है कि जब मैं एडजॉइंट ए का एड ज्वाइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात करता हूं जो हमारे लास्ट क्लास में बात थी कि किसी मैट्रिक्स का जब हम एडजोइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ये ये तो ए की पावर एन माइनस वन ये डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन ये ए की मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन आया हम पास ए की पावर एन माइनस वन आया इसलिए जब टू क्रॉस टू था जब ये टू क्रॉस टू था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर तो टू माइनस वन आ गया क्योंकि ए जो था टू क्रॉस टू मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट ए की पावर वन आ गया और इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ तो ए आ गया और इसलिए आंसर माइनस टू था लेकिन जब मैं एडजॉइंट ऑफ बी किया जब मैं एडजॉइंट ऑफ बी किया तो क्या आया सर एडजॉइंट ऑफ बी किया ना तो बी तो का जो डिटर्मिनेंट था उसकी पावर एन माइनस वन बी का डिटर्मिनेंट कितना था वन टू थ्री था तो सिक्स था सर ये आपके पास एक बार और लिख लेता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर एन माइनस वन सर तो थ्री माइनस वन सर डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर सर टू सर मतलब बी कितना था सर सिक्स इसका स्क्वायर सर तो कितना आया था थर्टी सिक्स आया था सर ठीक है एड बी का डिटर्मिनेंट थर्टी सिक्स आ रहा था यस स्टार्ट जब किए थे तो एडजन बी लिखे थे एडजन बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट भी किए थे थर्टी सिक्स था देखो ध्यान से ये सर थर्टी तो सिक्स था सर मैं यही बात कर रहा हूँ इतना दिख रहा है आपको यस सर अगर मैं बोलूं कि यार एडजोइंट का एडजोइंट ए पता है एडजॉइंट का एडजोइंट है ये ए का डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस टू इंटू ए इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्म एन की वैल्यू तो आपको पता ही है ए का डिटरमिनेंट कितना था माइनस टू एन की वैल्यू कितना है टू तो टू माइनस टू जीरो और ए तो सर माइनस की पावर जीरो और ए किसी की पावर जीरो वन होता है वन इंटू तो ए आ गया सर ये ए मैट्रिक्स आ गया था। लेकिन

इसका डिटरमिनेंट था ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर ये इतना था सर तो पता है आपके पास कितना रिजल्ट आया था सर ए का डिटरमिनेंट एन कितना था टू क्योंकि टू क्रॉस टू लिए थे A मैट्रिक्स को इसका स्क्वायर डिटरमिनेंट ए की पावर टू माइनस वन वन का स्क्वायर मतलब वन सर तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका मतलब सर माइनस ही आंसर आया था बट जब मैं एडजॉइंट के एडजॉइंट बी का जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा था तब आ रहा था बी का डिटर्मिनेट एन माइनस वन का n की स्क्वायर सर ये बी का डिटर्मिनेंट था और थ्री माइनस वन टू होता तो टू का स्क्वायर सर मतलब सर डिटर्मिनेट ऑफ b की पावर फोर और डिटर्मिनेंट ऑफ b था सिक्स सर तो सिक्स की पावर फोर था यह हमारे पास था रिजल्ट रिजल्ट सर इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि एट ऑफ एट ऑफ एट ए होगा तो क्या होगा अच्छा ऑफ ऑफ ए होगा तो पता है A की पावर ऑफ ए की एन माइनस वन का जो स्क्वेयर था वो क्यू हो जाएगा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और एन की वैल्यू टू है तो टू माइनस वन तो वन का क्यूब होगा तो आंसर कंफर्म है कि ए का डिटर्मिनेंट ही आएगा इसका मतलब है ये ए का डिटर्मिनेंट ये आएगा इसका तो माइनस टू आएगा बट अगर मैं एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट बी ले लो कितने बार हुआ सर तीन बार हो रहा है सर तो फिर डिटर्मिनेंट बी की पावर एन माइनस वन का क्यूब होगा सर बी का डिटर्मिनेंट होगा और एन माइनस वन थ्री है थ्री माइनस वन टू का क्यूब होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का पावर एट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू सिक्स थी सर सिक्स का पावर एट आएगा सर सिक्स का पावर एट आएगा ओके okay. इसका मतलब है कि ये जितने बार लिखा है जब भी आप डिटरमिनेंट निकाल रहे तो एन माइनस वन का स्क्वायर था तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये दो नंबर है और और ये वन, ये वन और ये टू, इसके यहाँ टू लिखा यस ये तीन नंबर है एक दो और तीन हाँ इनके कारण ये क्यों आया हाँ यही मैं बोलना चाह रहा हूं इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं एड ऑफ एड ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ऐसा करके अगर मैं इसको अगर आर टाइम्स लिख रहा हूं ए आर टाइम्स भी आप आर टाइम्स बोल सकते हो ये एट ज्वाइंट के बाद आपके पास लिख रहा हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का पावर आर आएगा यस यही आएगा ये ये आपके पास प्रॉपर्टी जो हम लिखे थे तो ये रिजल्ट था ये इतना डिटेल में फिर पता नहीं होता है फिर हमको लगता है कि ये सर क्या है करके ये लिखा हुआ था कि एडजॉइंट एडजॉइंट अगर आप आर टाइम्स निकाल रहे हो दिस इज द दर टाइम्स दिस इज द टाइम्स इसका फाइंड आउट कर रहे हो तो एन माइनस वन की पावर आर है दिस इज द आर टाइम्स आर की वैल्यू अगर दो बार कर रहे हो यहां पे कितने बार था दो बार तो आर की वैल्यू टू थी तीन बार करते तो पावर क्यूब आ जाता दिस वन ये हुआ आपके पास ये तो यहां से स्टार्ट किया आज मैं यहां से स्टार्ट किया चेक कर लेंगे आप चेक कर लेंगे कभी तो कभी हमको लगता है कि सर मैट्रिक्स ही तो है सर मैट्रिक्स ही तो है नहीं तो मैट्रिक्स ही है तो फिर हमको तो फिर इतना फिर मैट्रिक्स आता नहीं फिर उतने अच्छे से ना इतने फास्ट वे में एग्जीक्यूट करने आता है ना इतने अच्छे से हमको एग्जाम्पल लेने आता है तो देखना होगा फिर कि हमको इतना अच्छे से एग्जाम्पल लेने आता है क्या फिर हमको देखना होगा कल कोई दे दे कि ये बी मैट्रिक्स जो मिल गया था वो दे दे ऑफ ऑफ बी से सिक्स की पावर एट आ पाएगा आ पाएगा नहीं आ पाएगा रिहाज देखिए आप ये आई होप आपको इतना क्लियर हुआ आई होप आपको इतना क्लियर हुआ तो एडज्वाइन के बारे में इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में मैं चला गया एडज्वाइंट के बारे में जितनी गुड बातें हो सकती है उतनी गुड बातों में चला गया किसी को लग रहा होगा कि सर इसको सर आपना एड ज्वाइंट आर टाइम्स लिखो सर अच्छा लगेगा तो मैं इसको एट आर टाइम्स लिख देता हूं तो भी चलेगा इट्स ओके okay. ये आपके पास एक और लिखा हुआ है

अच्छा ए स्क्वेयर करोगे तो वन टू थ्री फोर फिर वन टू थ्री फोर हो जाएगा कोई सु नहीं है कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन टू वन थ्री वन और सिक्स सेवन सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दो और आठ दस सर सेकंड रो सेकंड कॉलम तीन और बारह बारह तीन पंद्रह और सर सेकंड रो सेकंड कॉलम छः और बारह अठारह सर नहीं नहीं सिक्सटीन और ये छ्वेंटी टू सर ये आ गया आपके पास ए स्क्वेयर सर एट ज्वाइंट ऑफ ए स्क्र कितना आ रहा है अच्छा एट जॉइंट ऑफ ए स्क्र एट ऑफ ए आएगा सर स्क्त और सेवन इंटरचेंज हो गया और दस माइनस दस हो गया और पंद्रह माइनस पंद्रह सही है लेकिन किसी को बोला जाए कि यार एड ज्वाइंट ए करके अगर मैं इसका अगर परफॉर्म करता तो मतलब अगर मैं एट ज्वाइंट ए करता हाँ एड ज्वाइंट ए कितना आता सर फोर माइनस टू माइनस थ्री और ये वन आता ये आता सर एड ज्वाइंट अगर मैं एडजोइंट ए का स्क्वायर कर दू तो एडजोइंट ए का स्क्वायर कर दो तो हां मतलब आप बोल रहे हो कि इसी को मल्टीप्लाई कर देते फोर माइनस टू माइनस थ्री और वन को फोर माइनस टू हाँ माइनस थ्री और वन से तो क्या होगा तो सर फर्स्ट फर्स और फर्स्ट कॉलम सोलह और छह सर ट्वेंटी टू ये आपके पास ट्वेंटी टू आगे सही है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस एट और माइनस टू सर माइनस टेन माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व और माइनस फिफ्टीन सर

ये कंफर्म है कि एडजोइंट ए का स्क्वायर आ जाएगा मतलब कल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए क्यूब मैट्रिक्स निकालने के बाद आप एडजोइंट निकाल रहे हो तो आप एडजोइंट ए अगर आपके पास है तो उसका भी क्यूब कर सकते हो दिस ये सही है सर हम्म मतलब कल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है वन ये सेकंड एग्जांपल आप हमेशा ऐसे ही वाला रखना आपके लिए आसान होगा देखना ये ए है पता इसका ए स्क्वायर कितना होगा सर डायगोनल मैट्रिक्स का ए स्क्वायर नंबर के एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता है क्योंकि फटाफट खत्म करना है ना अपने को थ्री का स्क्वायर सर ये A का स्क्वायर तो क्या आया ए का स्क्वायर सर वन जीरो जीरो हाँ जीरो फोर जीरो और जीरो जीरो नाइन ये आया सर ए का स्क्वायर सही इतने है कितने आपके पास एक का स्क्वायर हम्म अगर मैं बोलूं कि मेरे को एट ज्वाइंट ए फाइंड आउट करना है एट ज्वाइंट ए अगर मेरे को फाइंड आउट करना एक का स्क्वायर निकालना ये एडजॉइंट एक ए का स्क्र निकालना तो एडजॉइंट एक ज्वाइंट ए का स्क्वेयर कितना निकल जाएगा अगर मैं वन पे हूं तो सर थर्टी सिक्स जीरो जीरो फोर पे हूं तो नाइन सर और नाइन पे हूं तो फोर सर ये एडजॉइंट एक ज्वाइंट ए का स्क्वेयर आ गया ए का स्क्वायर कर लिए फिर एडजॉइंट निकाल लिए ठीक है सर और एडजॉइंट ज्वाइंट ए अगर मैं करता तो अच्छा एडजॉइंट ज्वाइंट ए करते तो आप एडजॉइंट ज्वाइंट ए करते उसी का तो सिक्स आता पहला एलिमेंट हाँ फिर कितना आता थ्री आता और थ्री पे कितना आता टू आता अब बताओ इसका स्क्वायर कर दो आप इस एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर कर दो क्या आएगा डायगोनल में मजा इतना ही है कि एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता है छे का स्क्वायर थर्टी सिक्स सही आ, थ्री का स्क्वायर नाइन सही और दो का स्क्वायर चार जीरो जीरो फोर आंसर सेम हाँ सर आंसर सेम जब भी आपको ना कुछ बातें देखना है

चेक कर लीजिए आप हाँ और कुछ गड़बड़ हुआ नहीं वापस कुछ चेंज करना इसका बंद कर दो वापस बंद करना था तो जो रिस्क है हैं ये थी जो चाहिए था उनको परेशान हो गए रे बंदो हाँ इतना क्लियर है कि नहीं हाँ इतना क्लियर बिल्कुल सर

माइनस फोर माइनस सिक्स सर ये हुआ आपके पास एडजॉइन टू ए अगर मैं बोलूं कि टू कॉमन निकालना है तो अगर ध्यान से अगर आपके पास देख रहे हो कि ए, ए आपके पास ये था टू ए ये कर दिए तो इसका इसका एडजॉइंट कितना हुआ इसका एड ज्वाइंट सर स्कॉर्ड ज्वाइंट एक एड ज्वाइंट एक एडजॉइंट तो कुछ नहीं है सर फोर वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है इसका बताओ क्या कॉमन निकलेगा सर टू अगर मैं कॉमन निकालू तो क्या आएगा सर फोर माइनस टू माइनस थ्री और वन आएगा क्या आया ये सर टू इंटू एड ज्वाइंट ए आया सर टू इंटू एडज ए आया मतलब वो स्केलिंग फैक्टर बाहर आ गया तो कोई बोल सकता है कि सर ये तो बड़ा आसान है कि एडजॉइंटर टू बाहर आ गया सर टू बाहर आ गया लेकिन टू क्रॉस टू था ये टू क्रॉस टू था तो कभी कभी हम ऐसा ना सोच ले कि जो भी स्केलिंग फैक्टर रहता है अगर मैं इसको देख के कंक्लूड करूं इसको देख के मैं कंक्लूड कर दूं और मैं बोलूं कि सर एक्चुअली ना एडजॉइंट जो के होता है एक्चुअली सर के इंटू एडजॉइंट ए होता है ये। तो ये आपके पास रिस्क हो जाता है क्यों रिस्क हो जाता है इसलिए रिस्क हो जाता है क्योंकि गलत लिखा हुआ है अभी तो सही लिखा है सर सही इसलिए लिखा है क्योंकि कंडीशनल है ये रिजल्ट सही इसलिए क्योंकि टू क्रॉस टू के लिए सही हो जाएगा सबके लिए सही नहीं हो सकता इसलिए आप जब करते हो तो आपको ध्यान रहे नहीं तो आपको लगेगा कि सर के बाहर आ गया सर मैं तो चेक कर लिया था अच्छा आप चेक करने वाले पार्ट में अगर कभी जा रहे और आपको प्रॉपर्टी नहीं पता मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ ये मान ही नहीं रहा हूं कि आपको सब याद हो सकता है एक स्टूडेंट को सब याद ही नहीं हो सकता है और जिसको सब याद रहता है उसकी बात हम कर भी नहीं रहे उसको किसी की जरूरत नहीं इस दुनिया में किसी टीचर की नीड नहीं है उसको 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 जब सब पता ही है तो उसको टीचर की नीड क्यों होगी नॉर्मल पब्लिक को टीचर की नीड होती है उनको तो पूरे रिजल्ट याद नहीं हो सकते तो ये ए है अगर मैं बोल दूं कि मैं इसका एड लिख लेता हूं तो एड लिख लिए सर कितना हुआ छ जीरो जीरो दो की जगह पे थे तो वन इंटू थ्री थ्री आया और थ्री की जगह पे थे तो कितना आया टू आया ठीक है एडज्वाइंट ऑफ ए हो गया सर मैं टू ए कर दे रहा हूं टूए कितना हो जाएगा टू ए हो जाएगा दो दो जीरो ये हो गया फोर जीरो फोर जीरो और जीरो जीरो सिक्स सर मैं क्या करता हूँ एडजॉइंट ऑफ टू ए करता हूँ सर एड ऑफ जब मैं टू ए कर रहा हूँ तो क्या हो गया एडज्वाइंट ऑफ टू ए दो की जगह पे जब थे तो छवेंटी फोर सर चलो ठीक है फोर की जगह पे बारह सर ठीक है छः की जगह पे आठ सर आठ आ गया सही अब मैं कॉमन आठ तो निकाल नहीं सकता हूँ चार ही कॉमन निकल रहा है सर चार जब कॉमन निकाल रहा है तो चौबीस में कितना बचा छह हाँ जब चार कॉमन निकाल रहा हूं तो कितना बचा थ्री जब चार कॉमन निकाल रहा हूं तो कितना बच्चा टू कितने बचा, बचा? यस सर तो कितना आ गया ये सर फोर इन टू एट ए आया अब देखो के की वैल्यू तो टू थी के की वैल्यू तो टू थी अब तो देखो फोर आ रहा है अब तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है अब तो फोर आ रहा है पहले तो सेम आ जा रहा था थोड़ी देर पहले ये सेम आ जा रहा था तो गलत हो गया अभी तो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से केयर करें एक्चुअली रिजल्ट कितना है रिजल्ट ये है जो अभी हम लिख रहे थे कि सर अगर मैं किसी स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं मतलब एट ऑफ के ए करते हैं तो के की वैल्यू एन माइनस वन एट ऑफ ए है अगर मैं बोल रहा हूं कि सर एट अगर मैं के ए है और ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स था तो सर ये पता है सर के की वैल्यू टू की पावर वन

टू आपके पास जब कर रहे थे तो टू का स्क्वायर आया था के की पावर एन माइनस वन था के की पावर एन माइनस वन था तो के की वैल्यू अगर टू थी तो टू की के की पावर जब एन माइनस वन की है तो टू की पावर थ्री माइनस वन की है एन की वैल्यू कितना था आपके पास थ्री तो कितना आपके पास आया था फोर ये इसलिए पर फोर आया था दिस वन तो छोटी छोटी बातें कई बार इतनी क्लिक नहीं करती देखने में लगता है और ये पता कब तक ये दिखता है जब हमारे सामने रहता है जिस दिन हमारे सामने नहीं होगा ये बहुत ही टफ होगा हमको समझ नहीं आएगा एन माइनस वन किस में आता है एन माइनस टू किस में आता है एन माइनस वन का स्क्वायर किस में आता है ये हमको कभी समझ ही नहीं आएगा यकीन मानिए समझ नहीं आएगा हम पागल हो चुके रहेंगे एक दिन कैसे पागल हो चुके रहेंगे हो ही नहीं सकता कि ग्यारह दिन बाद कोई ऐसा हो सके जो कि ऐसा बोल दे कि सर मेरे को ये भी याद है अच्छा मेरे को ये भी याद है सर अच्छा सर मेरे को ये भी याद है और वो भी याद है अरे क्या ही बात होगी फिर तो अगर इतना सब कुछ किसी को याद है तो समझ रहे ऐसे हजारों रिजल्ट के साथ जब आप एग्जाम में एंट्री मारोगे तो इट्स नॉट इजी थिंग तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार अगर ये किसी को याद नहीं रहेगा तो बेचारे का क्या होगा तो उसको पता रहे कि मेरे पास क्या तरीका हो सकता है इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखे हमसे ज्यादा कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता जिसको जो पूछना है पूछ ले एग्जाम के दिन वी हैव नो इशू कोई हमसे ऐसा कुछ पूछ ही नहीं सकता है वी हैव नो इशू अरे हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे कोई कुछ भी पूछे और हमसे नहीं बना तो फिर किससे बनेगा किस नहीं बनेगा ठीक है चलो वापस आते हैं एड ज्वाइंट के बारे में बात कर ली इधर आएंगे आप देखेंगे ध्यान से एक्जाम्पल नंबर थर्टी लिखा हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वन टू 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 वन टू और टू टू वन एंड एंड मैट्रिक्स बी है बी इक्वल टू फोर है बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ एड ज्वाइंट बी डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ एडवाइंट बी बोले सर डिटर्मिनेंट चाहिए सर तो हम तो बोले थे कि यार ये कितनी वैल्यूज है अगर हम ध्यान से देखें कि हमको सर एड ज्वाइंट ऑफ एड ज्वाइंट बी निकालना है ये आपके पास फाइंड आउट करना है जब मैं बोल रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी निकालना है मेरे को तो मेरे को पता है कि कितने बार है सर टू टाइम्स सर अच्छा डिटर्मिनेंट निकालना है भाई आपको टू टाइम्स मतलब सर आर की वैल्यू टू सर तो फिर क्या मतलब हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि को सर बी की मॉड ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का पावर एन माइनस वन का पावर आर सर तो आर का वैल्यू तो टू है यार हाँ सर तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी सर एन माइनस वन का स्क्वायर सर अच्छा एन माइनस वन का स्क्वायर ओके एन की वैल्यू कितना है सर थ्री क्रॉस थ्री है सर तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी थ्री क्रॉस थ्री है तो थ्री माइनस वन का स्क्वायर सर फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी सर टू का स्क्वायर सर फोर सर तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर फोर ये आपके पास आंसर बट मेरे को अभी अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास क्या है तो मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू अगर मेरे को बी okay? की वैल्यू क्या होगी सर बी की वैल्यू फोर है सर अच्छा ये तो सभी को पता है क्या सभी को पता है कि सर अगर बी इक्वल टू फोर ए और थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है और अगर मैं बी के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं तो इसमें किसी को इशू नहीं होता है सर क्योंकि फोर ए करते हो तो सर क्या आता है फोर की पावर एन आता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एन थ्री क्रॉस थ्री है तो फोर की पावर थ्री सर ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पढ़ते हुए बेसिक चीजें भूल जाए मतलब लोगों को ये ना पता होगा ये नहीं पता होगा लेकिन लोगों को ये जरूर पता होगा तो ऐसा भी ना हो कि अपने को ये पता चल जाए लेकिन अपने यही भूल गए एक दिन कि डिटर्मिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी ही भूल गए तो फोर की पावर थ्री सर तो फोर की पावर थ्री तो सर फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटी फोर सर सिक्सटी फोर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर ये तो ए क्या है ए तो ये है सर अब देखो वन टू टू है टू वन टू है टू टू, टू वन अब अगर मेरे को बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं तो सिंपली सॉल्व कर सकता मतलब ए का डिटर्मिनेट सॉल्व करना है तो मैं तो मैं ए का सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ मेरी चॉइस है कि मेरे को जैसे सॉल्व करना है तो आपको हमेशा क्लियर है कि यार ए आपके पास है हमेशा क्लियर है ऐसा ना हो कि ज्यादा चीजें पता होने का डिसएडवांटेज है कि सर मैं सोच रहा हूं दो मिनट तक या तीस सेकेंड तक सोच डाला कि मेरे को क्या करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी हो आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या चीजें पसंद है और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मेरे को किसमें टाइम कम और ज्यादा लगता है ये ए है और मेरे को ए का डिटर्मिनेंट निकालना अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं गया मैं बोला सर वन के साथ वन माइनस फोर है सर फिर इस टू के साथ सर माइनस टू है ये कैंसिल ये कैंसिल टू माइनस टू सर ठीक है भाई फिर कितना है फिर बोले सर टू है टू के साथ कितना हो गया ये कैंसिल सर फोर माइनस टू है पहला आंसर कितना था माइनस थ्री दूसरा आंसर कितना था जीरो इतना ही था आपके पास और ये कितना था आपके पास टू टू और टू फोर आ गया इतना आपके पास आ रहा है चेक करो एक बार वन के साथ कितना है? वन माइनस फोर था माइनस थ्री था टू के साथ कितना आ रहा था टू लेकिन लिख दिया ना टू माइनस फोर था ना यार यहाँ पर माइनस टू तो प्लस फोर प्लस फोर आपके पास एक और था तो ये आ गया आपके पास फाइव फाइव आ रहा है आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू ठीक है फाइव आ रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये लिख दिया यहाँ पे फाइव आ रहा आपको यह भी हो सकता है कि सर मेरे को तो सर यह पसंद है सर मेरे को तो सर ये पसंद है सर एलिमेंट्री ऑपरेशन सर करूंगा सर वन टू टू था सर फास्ट मे को ये पसंद है इसमें से जीरो किया सर तो टू जीरो हो गया टू आर वन किया ये चार हो गया वन माइनस चार किया तो माइनस थ्री आ गया फिर ये टू फोर हो गया टू माइनस फोर किया तो माइनस टू आ गया फिर इसको भी जीरो किया तो सर ये भी जीरो हो गया फिर सर ये टू माइनस फोर था तो माइनस टू आ गया फिर सर ये वन माइनस फोर था तो माइनस थ्री आ गया फिर मैं डिटर्म निकाल लिया सर तो वन के साथ कितना आ गया सर नाइन आ गया और माइनस फोर आ गया सर तो फाइव अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में ये सोच रहे कि यार मैं सॉल्व करूं कि मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व करूं और बीस मिनट ये ले लिए मतलब बीस सेकंड ले लिए आप सोचने में मैं क्या किया कुछ नहीं किया मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया अब आपको ये आज पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन आप पता कर रहे कि आपको क्या पसंद है ये नॉर्मल लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है उनको दो चीजें पता चल गया तो ये भी करते हैं थोड़ी देर बाद ये भी करते हैं उनका, तो उनका पेपर निपट गया एक साल की प्रिपरेशन पूरी है कि दो आंसर आ गए वहां से अलग आंसर यहां से अलग आंसर और फिर सिर को एकदम पकड़ के बाल पकड़ के खींच रहे तो भी समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हुआ उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस पूरा जमीन पर आ जाता है ये आज होना चाहिए ये आज होना चाहिए आज होना चाहिए

क्या बता आपको सर ये ये मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सर ये ये ग्रीन वाला जो है ना ये ग्रीन वाला सर आंसर लिख रहा हूँ सर डेटाम का क्या सर वन 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 हाँ प्लस टू 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 दो चार आठ हाँ फिर दो दो, दो, दो चार आठ सर ये माइनस लगा रहा हूँ सर दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ दो, दो 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 टू वन वन टू ये फोर हो गया सर टू 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 और वन सर फोर हो गया सर वन टू टू और फोर हो गया सर ये सर ये एट से सर माइनस एट कैंसिल आउट हो गया एट और फोर ये फाइव आंसर सर आपकी चॉइस है यार आपकी चॉइस है ये कुछ भी कर सकते हैं अपन कर दे ये आपकी चॉइस होना चाहिए अब लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं अब अब शॉर्टकट अब इसको लोग बोलते हैं कि ये शॉर्टकट है सर ये ट्रिक है मैं कुछ नहीं मानता ट्रिक मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस ट्रिक्स पे भारी पड़ती है आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये करोगे तो भी वो प्रैक्टिस करने वाला ट्रिक लगाने वाला ट्रिक ही लगाते रहेगा आपकी प्रैक्टिस किस में है आपको देखना है यार आपको देखना है लोग इसको ट्रिक बोलते गुड एफर्ट और हार्ड एफर्ट से ये सब ट्रिक विक को ब्रेक किया जा सकता है कर दिया हम ये ट्रिक किसी को लगती है तो कर दिया ऐसा थोड़ी कि नहीं आता हमको हमको सब आता है हमको सब आता है इतना क्लियर रहना चाहिए कि हमको सब आता है ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं ये तो हम परेशान ना रहे तो पांच आ गया था सर और थे 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 सर। अच्छा बी का थे थे तो अगर मैं बोलूंटी फोर ए था तो बी का डिटर्मिनेंट जो था डिटर्मिनेंट था और ए का डिटर्मिनेंट फाइव आ गया तो सिक्सटी फोर इंटू फाइव हो गया तीन सौ बीस आ रहा है सर अच्छा हमसे क्या पूछा था? हम था सर हमसे पूछा था सर एडजोइंट ऑफ एडजोइंट बी का सर डिटरमिनेंट सर जो कि था सर डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर आर की वैल्यू टू था तो एन माइनस वन का स्क्वायर था और ये थ्री क्रॉस थ्री था तो टू की पावर टू था सर तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर फोर था ये ऐसे था आपके पास आंसर यस सर तो सर यह आगे सर 320 की पावर चार सर अब ऐसे ऑप्शन फ्रेम रहते कुछ भी कुछ आंसर ऐसे चार फ्रेम कर देता आपके पास ये आंसर ओके किसी को डाउट किसी को डाउट जल्दी बोलो आगे बढ़ूंगा मैं आगे बढ़ूंगा मैथ्स जो है वो अटेंटिवनेस और हार्डवर्क हार्डवर्क बोलने का मतलब प्रैक्टिस हार्डवर्क मतलब प्रैक्टिस इन सब का कॉम्बिनेशन है चीजें आसान होने चालू हो जाती है जैसा भी आपको सॉल्व करना इसमें तो डरने की बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं और किसी गेम को तीन बार खेला जाए तो गेम आपका हो जाता है अब इसको कोई देखेगा और बस देखेगा तो फिर ये आपका नहीं होगा गेम को खेलना पड़ता है छोटे छोटे बच्चे आप देखो गेम कितने एक्सपर्ट होते क्यों होते ऐसा नहीं कि पहली बार जब गेम खेल रहे थे तो एक बार खेले दो बार खेले उनको इंटरेस्ट था उस गेम में चार बार खेले पांच बार खेले इतना खेले कि समय में उनकी स्पीड जमीन आसमान में पहुंच गई आप चार बार दस बार लिख दोगे तो यह मजाक बन जाएगा ऐसा ही होता है ये क्या आपके पास लेटेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज एडजोइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो पी मैट्रिक्स है वो एडजोइंट ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं सर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजोइंट है ए का

के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन हम क्या करें का इन्फॉर्मेशन गिवन दिख रहा होगा का इन्फॉर्मेशन गिवन जब मैं बोलता हूँ तो क्या करने की मेरे पास है कि को कैसे करना है? इस चीज का मेरे पास चॉइस है कि का डिटर्मिनेंट दिया और अगर हम बोले कि मेरे को क्या करना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर देखिए सर क्या सर एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट ना डाल दू सर मैं तो उससे क्या होगा एडजॉइंट से सर डिटर्मिनेंट ए की पावर सर एन माइनस वन सर डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन सा थ्री है सर तो थ्री माइनस वन सा टू हो गया कितना आ गया भैया डिटर्मिनेंट की बात किए तो सर डिटर्मिनेंट की बात किए तो सर टू का पावर सर ये टू आ गया सर फोर आ गया सर किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये अब अगर मैं बोलूं कि एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आप कर रहे हो तो एड ज्वाइंट ए की जो वैल्यू थी वो तो पी थी एड ज्वाइंट ए की वैल्यू तो पी थी, थी। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो पी का डिटर्मिनेंट भी होगा और एडवाइंटी का डिटर्मिनेंट आपको पता चल गया कि फोर है तो पी का डिटर्मिनेंट को फोर से आप इक्वेट कर सकते हो पी के डिटर्मिनेंट को आप इससे इक्वेट कर सकते हो देखो जरा ध्यान से नहीं कर सकते तो पी का डिटर्मिनेंट सर मैं सोल्व कर लेता हूँ सर अच्छा पी का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने का मन है कि सर पी का डिटर्मिनेट मैं सोल्व कर लेता हूँ अब पी का डिटर्मिनेंट अगर आपको लिखने का मन है कि सर मैं पी का डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ तो कितना हो गया सर वन बारह और बारह सर पहला तो गया सर अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है माइनस के ये कैंसिल ये कैंसिल फोर और माइनस सर सिक्स सर ठीक है फिर सर थ्री के साथ थ्री के साथ ये कैंसिल ये कैंसिल फोर माइनस सिक्स सर ध्यान से देखना है बस और सर पी का डिटर्मिनेंट सर ये तो अभी आया था सर पी का डिटर्मिनेंट फोर सर तो फोर पहला तो गया कैंसिल हो गया ये कितना आया माइनस टू तो टू तो के हो गया सर ये है ना हाँ और ये कितना हो गया माइनस सिक्स सर चेक कर लो यार सर फोर सर तो टू के की वैल्यू कितना आ गया टेन सर तो के वैल्यू कितना था सर फाइव सर के पूछा गया था सर के निकाल लिया फाइव आंसर चेक के वैल्यू फाइव आ रहा है चेक करेंगे आप के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए सर पी का डिटर्मिनेंट मार है क्वेश्चन देख लो ध्यान से देखो ध्यान इतना ही है हाँ सर इतना ही इतना ही है अब एडजोइंट a की वैल्यू p थी ना एडजोइंट a की वैल्यू p थी।, की वैली की वैली थी अगर मैं बोलूं क्या एडजोइंट a की वैल्यू कितना था एडजोइंट a की वैल्यू p था दो सर दोनों साइड एडजोइंट ले लूं तो मैं ऐसे सोचना चालू किया दोनों दो साइड एडजोइंट ले लोगे तो दोनों साइड एडजोइंट ले लेंगे तो सर एडजोइंट ले लो ये क्या होता है सर ये एडजोइंट ऑफ a की वैल्यू सर ए की पावर एन माइनस वन का एन माइनस कितना वैल्यू इसका एडजॉइंट ऑफ एडजे की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितना एन माइनस टू एन माइनस टू और ए सर ये एक का डिटरमिनेंट कितना दिया था सर दो ए के पावर ये था आपके पास तो दो थ्री माइनस टू ए सर एट ज्वाइंट ऑफ पी तो कितना आ गया सर टू ए आ गया सर एट ऑफ पी ये इस तरीके से कुछ सोचे क्या क्या दिया था आपके पास थ्री क्र थ्री था एड ज्वाइंट आपके पास ये था और पी की वैल्यू आपके पास ये थी एक का आपके गिवन था। फिर एक डिटर्मिनेंट अगर मैं यहां पे निकालू तो भी वो आगे वही वही प्रोसेस पहुंच जाएगा ना एक आपके पास जो वैल्यू होगा वो वही पहुंच जाएगा एक ही के बारे में आपको नहीं पता ना ठीक है इसके बाद अगर मैं फिर से डिटर्मिनेट करूं तो वही बात, बात वही पहुंच जाएगी ठीक है बात वही पहुंच जाएगी ठीक है ऐसे सोच रहा था मैं कि अपन ऐसा ऐसा ट्राई करते अभी फिर से मैं डिटर्मिनेंट डाल दूं दोनों साइड तो फिर बात वही पहुंच जाएगी कौन सी बात यही वाली बात पहुंच जाएगी जो हम यहाँ पे सॉल्व किए थे ठीक है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे आप ठीक है इसके बाद इससे वही होता कि मैं दोनों साइड वो ले लेता ये ले हो जाता है जॉइंट पी का डिटर्मिनेंट ये आपके पास टू की पावर पा। बाहर निकालता तो थ्री हो जाता आपके पास और ए हो जाता है ये फिर adjoint पी का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हैं। तो फिर पी का आपके पास adjoint पी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता तो डिटर्मिनेंट फिर पी करना पड़ता मेरे को कि डिटर्मिनेंट पी करता उसकी पावर करता तो फिर वही प्रोसेस सेम हो जाता ठीक है वही सेम चीज वैसी हो जाती है इट्स ओके नो नीड सबसे आसान तरीका वही था सबसे आसान तरीका वही था ठीक है ये नहीं था ना आपके पास ठीक है तो के का आंसर तो अपना ऐसे निकल गया था फाइव आंसर अपन निकाल लिए थे के का आंसर तो ऐसे निकाल लिए थे अपन ठीक है अब देखो यहां पे ये लिखा हुआ है अब क्या लिखा हुआ देखो जरा ध्यान से ये देखो आपके पास क्या लिखा है एक और फिर से क्वेश्चन डेटा सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है क्वेश्चन आपके पास अलग है बोल रहा है कि क्या लिखा है क्या आपके पास जो पी है, पी जो है वो एडजॉइंट का एड एडजोइंट ऑफ एडजोइंट का आपके पास जो है ए मैट्रिक्स का जो एडजोइंट है वो आपके पास पी है देखो जरा ध्यान से ये और अगर मैं बोलूं कि मैं दो अगर मैं अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर मेरे को दोनों साइड का अगर सॉल्व करना है तो मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ थोड़ी देर पहले तो सॉल्व किए थे सर आप हाँ वही बोल रहा हूँ दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ तो पी ये और पी का डिटर्मिनेंट अभी सोल्व किए थे सेम क्वेश्चन है तो सर ये टू के बानस सिक्स आया था हाँ टू के बानास सिक्स आया था पी का डिटर्मिनेंट सेम है क्योंकि पी वही है अभी भी पी वही है तो टू के बानस सिक्स है एड ऑफ और एडजॉइंट का आपके पास अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो कितना होगा दो बार आपके पास ये है दो बार अगर है आपके पास तो कितना हो गया बोलिए सर ये कितना ये होगा आपके पास ये और ये और कितना था टू के माइनस सिक्स था एक का डिटर्मिनेंट कितना था एक डिटर्मिनेंट सर टू था सर तो टू था आपके पास एन माइनस वन है तो थ्री माइनस वन टू टू का स्क्वायर टू के माइनस सिक्स टू की पावर फोर एन माइनस वन का स्क्वायर है एन की वैल्यू थ्री है तो ठीक है सर टू के माइनस सिक्स है कितना हो गया ये सर ये सोलह आ रहा है सर ये कितना आ रहा है टू के माइनस सिक्स तो के की वैल्यू कितना आ रहा है सर सोलह छह बाविस इलेवन आ रहा है सर इसका आंसर इलेवन है चेक चेक दिस वैल्यू इलेवन इसका आंसर इसका आंसर इलेवन चेक दिस वैल्यू इसका आंसर इलेवन अरे इलेवन इसका आंसर चेक करो जल्दी बताओ आप इसका आंसर इलेवन इसका आंसर इलेवन है दिख रहा होगा आपको ठीक है चेक करेंगे फटाफट तो क्वेश्चन लेना चालू किया जस्ट एडज से रिलेटेड कि आपको के बारे में सब कुछ पता हो जितना मैं बता रहा हूं आपको सब कुछ सॉल्व कर दिया हूं है। ठीक है चलो एक्साम्पल थर्टी सिक्स एक मैट्रिक्स दिया कि दिया और बोला के की वैल्यू बताओ ये तो बड़ा आसान है ये तो बड़ा आसान है कि सर ए दिया दिया सर और एक के की वैल्यू है सर वो तो फाइंड आउट ही कर लेंगे बिल्कुल 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 फाइंड आउट कर लो इस के की वैल्यू सर के की वैल्यू तो निकालेंगे चलो आप निकालो आप निकालो जरा अभी तुरंत ये सबसे सवाल होना चाहिए केकी वैल्यू बताओ आप डिटर्मिनेंट और विदाउट डिटर्मिनेंट फॉर्मूला अलग कौन सा फॉर्मूला अलग कौन सा फॉर्मूला अलग है भाई डिटर्मिनेंट विदाउट डिटर्मिनेंट फार्मूला अलग हिमांशु पाल क्या बोल रहे हो हाँ ये केकी वैल्यू निकालो की वैल्यू निकालो की वैल्यू निकालो तुरंत निकालना है आप सर के की वैल्यू तैयारी करके क्या है ज्वाइंट में अरे एक विदाउट डिटर्मिनेंट अलग चीज होगा फॉर्मला अलग है ना भाई फॉर्मला अलग है फॉर्मला अलग क्यों नहीं होगा भाई जब डिटर्मिनेंट लगा दोगे तो अलग फॉर्मला नहीं बनेगा क्या ऐसा थोड़ी होगा अलग अलग फॉर्मला होगा ना देखो ना यार आज की क्लास जब से चालू हुई तब से देखना चालू कर रहे हिमांशु चलो की वैल्यू बताओ जिसका आएगा बताना के की वैल्यू की सर के की वैल्यू आ गई है करके के की वैल्यू आ गई ये करके बताना आप स्टार्टिंग से जाओ यहां से कंटिन्यू मत करो आज की क्लास शुरू से जहां से स्टार्ट किया था वहां से पढ़ो चलो जल्दी बताओ राजीव कुमार यादव बोल रहा है माइनस फाइव बोल हम्म द वैल्यू ऑफ के और किसी का माइनस फाइव एक और का आंसर आ गया ठीक है अब देखो मैं क्या बोलता हूं जब आप एड्वाइंट ए की बात करते हो ना तो आपको माइंड में क्लियर है कि क्या सर एडज्वाइंट ए की जब हम बात करते हैं ना तो सर हमको पता था को फैक्टर आता है और उसका भी हो ट्रांसफोर्स तो सर सी ग्यारह सी बारह इधर नहीं होता है। सी ग्यारह सी बारह सी तेरह ते ते ते। सर ट्रांसपोज लिख दिया सर सी बाईस सी तेवीस सी थर्टी वन सी थर्टी टू सी थर्टी थ्री ऐसा लिखते हैं सर को फैक्टर आपको सी ट्वेंटी थ्री की वैल्यू चाहिए एक्चुअली। आपको को फैक्टर सी ट्वेंटी थ्री की वैल्यू चाहिए होता है सर सी ट्वेंटी थ्री की वैल्यू होता है सर माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री और एम ट्वेंटी थ्री सर ये माइनस है इसका तो सर माइनस आएगा ये तो माइनस एम टू थ्री माइनस और माइनस की वैल्यू एम टू थ्री में कितना हो गया जब आप इस जगह पर रहते हो जगह पे एम टू थ्री की वैल्यू जब रहते हो तो इक्कीस बाईस तेईस इस जगह का जब आप माइनस निकालते हो कि सर एम वन टू निकाल रहा हूं एम टू थ्री एम टू थ्री निकाल रहा हूं इस जगह पे सर जब मैं खड़ा हूं तो ये कैंसिल हाँ ये कैंसिल तो कितना निकला सर वन इंटू फाइव और जीरो इंटू माइनस टू सर फाइव निकला सर तो एम टू थ्री की वैल्यू फाइव निकल रही सर इस माइनस की वैल्यू अच्छा तो पुट कर दो फाइव यार तो सर को फैक्टर की वैल्यू कितना निकला माइनस फाइव और जो ये सी टू थ्री है ये सी टू थ्री जो है

सब कुछ डिटेल में पढ़ाया कोई डाउट की बात ही नहीं होना चाहिए कुछ डाउट की बात ही नहीं होना चाहिए जो को फैक्टर का ट्रांसपोज रहता है, है ट्रांसपोज तो तो ले चुका जो को फैक्टर लिया तो जो रोता कॉलम बन चुका है ओके ठीक है अब बोल रहे है कि यार ए मैट्रिक्स जो है वो इसका खुद का है क्या बात है ए मैट्रिक्स इसका खुद का एडजॉइंट है अगर एक मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है कि ये इसका खुद का एडजॉइंट है तो बताओ ऑफ ऑफ कितना कितना सर, एक हो गया ये सी थर्टीन सी ट्वेंटी थ्री सी थर्टी थर्टी टू सी थर्टी थ्री इसके एडजॉइंट का खुद है आपके पास इट्स ऑन एडजोइंट। अब मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो सर मैं तो तुरंत वैल्यू निकालूंगा सर क्या सर सी थर्टी थ्री की वैल्यू चाहिए सर मेरे को अच्छा तो सी थर्टी थ्री की वैल्यू कितना होता है अच्छा सी थर्टी थ्री की वैल्यू वैसे तो इवन पोजीशन है पर फिर भी किसी को लिखने में मजा आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर थ्री प्लस थ्री सर एम थर्टी थ्री मेरे को पता है इवन है तो माइनस वन की पावर सिक्स मतलब वन ही होता है तो एम थर्टी थ्री सर ये ये सी थर्टी थ्री ये अब इसका एडजॉइंट है तो ये आपके पास जो वैल्यू है आपके पास इस जगह पे अगर आप फाइंड आउट करोगे इस जगह पे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा सर इस जगह पे फाइंड आउट करूंगा तो सर मेरे पास ये वैल्यू आ गया

ये बोल दिया था कि ये इसके खुद का है ठीक है सर अगर इसका एडजॉइंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कोई डाउट इसमें नहीं सर अगर ये खुद का एडजॉइंट है ए ऑफ टू बोल दिया था मतलब तो क्वेश्चन तो में क्या गिवन था कि एडजॉइंट एक्वल टू हम बोले कि एडजॉइंट ए में सी थर्टी थ्री होता है जो सी थर्टी थ्री की जगह है वो X वाली जगह है ये तो ही नहीं आना चाहिए लिखने स्टाइल में क्या कि इसका एडजॉइंट बताना सर एक ए मैट्रिक्स दिया है इसका एडजॉइंट सर हम लिखना चाहते सर कोई इशू नहीं है क्यों इशू नहीं है? क्यों है क्योंकि सर हम लिख सकते सर हमको पता है अगर लिखना पड़े भी तो

कौन से चार जगह पे माइनस लगा हुआ ये आपको पता है ये चार जगह पे माइनस लगा हुआ है दिस वन ये अब M11 की बात करूं तो एम वन वन में कोई इशू नहीं है एम वन वन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि सर एम वन वन लिख देते माइनस जब को माइनस लिखते जब माइनस लिखते आप तो माइनस लिखते समय किसी को प्रॉब्लम नहीं रहती वन का लिखना तो ये गया ना ये गया वन और माइनस फोर सर वन और माइनस फोर सर प्लस फोर नहीं नहीं माइनस फोर प्लस फोर वो और एक और माइनस था तो वन माइनस फोर माइनस थ्री ये माइनस थ्री है एम वन टू यहां पे एम वन टू यहां पे मैं इस जगह पे हूं इस जगह पे हूं यहां से निकलेगा एम वन टू जब इस एम वन टू में ये कैंसिल और ये कैंसिल कितना बचा टू और प्लस फोर टू और प्लस फोर सिक्स आया लेकिन माइनस था माइनस अलग से है और फिर बाद में सिक्स आया आपका माइनस के बाद एम वन टू सिक्स आया आपका फिर एम वन थ्री तो यहाँ पे इस जगह पे ये कैंसिल ये कैंसिल तो सर माइनस फोर और माइनस टू माइनस सिक्स आ रहा है अभी ये इतना आपको क्लियर रहना चाहिए ठीक है सर फिर एम टू वन निकाल रहे हो तो एम टू वन यहाँ से गया ये गया ये गया ये और ये जब आप इस जगह पे थे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हुआ तो माइनस टू हुआ और ये माइनस फोर हो गया तो माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स आ रहा है लेकिन ये पहले से आपके पास जो जगह है ये माइनस है तो प्लस सिक्स आ रहा है और एम टू टू पर अगर जा रहे तो ये कैंसिल ये कैंसिल माइनस वन और ये प्लस फोर आ रहा है माइनस वन प्लस फोर प्लस थ्री होता है प्लस थ्री होता है और यहाँ पे कोई माइनस भी नहीं है एम टू थ्री की जगह ये आपके वाली आपके पास जगह की एम टू थ्री वाली जगह यहाँ पे ये कैंसल और ये कैंसिल तो ये आ गया प्लस टू और ये प्लस फोर आ रहा है प्लस टू और प्लस फोर सिक्स आता है ऊपर से ये नेगेटिव है इसलिए माइनस सिक्स फिर एम थ्री वन वाले में गए थ्री वन वाले में ये तो जो जो वैल्यू अपन लिखते भी जा रहे हैं फिर आप अगर मैं एम थ्री वन में गया तो यहां से ये कैंसिल ये कैंसिल ये प्लस फोर हो गया प्लस टू सिक्स आ गया एम थ्री वन में प्लस सिक्स डाल दिए अपन ये प्लस सिक्स डाल दिए फिर एम टू थ्री में गए ये तो ये ये कैंसिल ये कैंसिल और ये प्लस टू और ये प्लस फोर सिक्स आ गया यहाँ पे भी आपके लिए लिख रहे होते देर तक ऊपर से जो एम टू थ्री है माइनस भी लगा हुआ ये लो और एम थ्री थ्री लास्ट माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल प्लस माइनस वन और प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर प्लस थ्री होता है ये आ गया दिस ये आपके, आपके साइड जॉइंट आप ये आया आपको समझाने के लिए टाइम लगा नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता समय थ्री कॉमन निकल सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को और ए आपके पास ये है इसका मतलब है कि अगर मैं एट ऑफ ए लिखना चालू करना चाहता हूं कि सर एट ऑफ ए अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको दिख रहा होगा कि सर अगर मैं थ्री कॉमन निकालू तो क्या बचेगा अच्छा थ्री कॉमन निकालोगे तो माइनस वन बचेगा हर एलिमेंट में थ्री कॉमन आ रहा होगा माइनस वन माइनस टू माइनस टू फिर टू वन माइनस टू यस फिर टू माइनस टू और वन दिस ध्यान से देखो कि क्या ये ए है नहीं है सर ये ए नहीं है सर ये ए का ट्रांसपोज है सर इसको ध्यान से अगर देखा जाए कि सर ये क्या है बोले सर ये 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 है है सर रोर था सर हाँ, था। तो तो और और का का आपके पास तो ऐसी चीजें जो रहती है वो इस बात पे बेस रहती है कि आपको कॉन्फिडेंस है आप सॉल्व कर सकते हो पता चला आप एडज्वाइंट को लेकर डरे हुए हो आपको लग रहा है सर एडजॉइन कैसे करूं थ्री ए ट्रांसपोज आज गए आपके पास ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में लोग नहीं बना पाते इसलिए नहीं बना पाते सर मैं ट्रांस कैसे एडज्वाइंट निकालता सर एकदम मेरे को लगा कि तीन घंटा कम पड़ जाएगा घर में बैठ के आप कभी लिखोगे ही नहीं कभी आप अपनी जिंदगी में दस बार एडज्वाइंट नहीं निकाले हो पिछले कुछ सालों से तो कैसे फास्ट होगा है कैसे फास्ट होगा आप मेरे से कंपेयर करो ना आप मेरे से ही फाइट करो आपको लगना चाहिए कि सर आपसे जल्दी हम सॉल्व करेंगे क्यों सर हम तो मैथ इतने दिन से पढ़ ही रहे ना सर आप तो बोल रहे बारह साल पहले मैथ्स पढ़ते थे आप बारह साल से तो मैथ्स नहीं पढ़े तो सर हम आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे तो करो मैसे कॉम्पिटिशन आप में से कॉम्पिटिशन करो ना सोच में लिखने में स्पीड में आपको करना चाहिए मतलब करना ही चाहिए हम्म ओके आंसर आ गया आपके पास ठीक है सर ये ए डिफाइंड है कि बोले ए थ्री

सर ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री क्या होगा सर आई प्लस जे है सर सर मैं वो लिख देता हूँ किसी के मन में एकदम फिक्स होना चाहिए कि सर ये लिखते हैं सर ये लिखने से सर आई और जे फटाफट दिखते जाता पहला नंबर आई होता है दूसरा नंबर जे होता है ये थर्टी वन थर्टी टू और ये थर्टी थ्री पता क्या होता है तीन टाइप की डेफिनेशन है इसमें आपके पास जे की वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही है

ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना ट्वेंटी मतलब अच्छा। और जो ऊपर वाले सर ग्रुप होता है ना उसका तीनों एलिमेंट तीनों एलिमेंट जीरो है सर अच्छा ओके कलर चेंज करना चाहिए तीनों का कलर चेंज करना चाहिए तीनों एलिमेंट जीरो है सर ओके फिर फिर सर ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ना सर ये आई माइनस जे मतलब ट्वेंटी वन आई माइनस जे होगा तो टू माइनस वन सर वन थ्री वन थ्री माइनस वन सर टू और थ्री टू सर वन सर ये आ गया द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बन गया इसमें कोई इशू नहीं यार मैट्रिक्स बनाना सिखा चुका हूँ मैट्रिक्स बनाना सिखा चुका हूं तो मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी अब अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है

तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया क्या है आपके पास सर टू जीरो जीरो और वन फोर जीरो टू जीरो जीरो वन फोर जीरो फिर हमारे पास क्या था बोले टू वन सिक्स सर टू वन सिक्स ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स पता क्या है बोले इसका को फैक्टर है और को फैक्टर आपके पास तो सर सी इलेवन सी ट्वेल्व सी थर्टी सी ट्वेंटी वन सी ट्वेंटी टू सी ट्वेंटी थ्री सी थर्टी वन सी थर्टी टू और सी थर्टी थ्री को फैक्टर ये लिखा है क्वेश्चन में गिवन गिवन सर एक चीज बताइए सर अभी तो आप सर इसको ऐसे लिखते थे सर रो को कॉलम लिखते थे अरे भैया बी एट ऑफ ए थोड़ी बोला है बी थोड़ी बोला है कि बी एट ऑफ ए है बी बोला है क्या को फैक्टर ऑफ ए है तो को फैक्टर लिख दिया को फैक्टर का ट्रांसपोज एड होता है तो एडजॉइट नहीं बोल रहा है को फैक्टर ऑफ ए बोल रहा है तो को फैक्टर ये लिखा हूँ मैं ये अब आपको क्या बोल रहा था क्या-क्या ऐड क्या करने को बोल रहा था बोल रहा था कि यार ऐड कर दो बी इलेवन बी ट्वेल्व बी थर्टी ये तो बी मैट्रिक्स में आपके उस नंबर क्या होंगे अगर ये बी आई जे है अगर ये बी आई जे है तो क्या होगा अरे सर बी इलेवन बी ट्� बी ट्वेंटी थ्री बी बी थर्टी वन बी थर्टी टू और बी थर्टी थ्री और क्या नंबर आपके पास होगा जो पूछा गया है, उसमें और इक्कीस बाईस तेईस को माइनस कर दो अच्छा ये ऊपर वाला मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि को फैक्टर जो है ग्यारह बारह तेरह जिसको बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बोला गया है और माइनस ऑफ ये इक्कीस बाईस तेईस तो सी ट्वेंटी वन प्लस सी ट्वेंटी टू प्लस सी ट्वेंटी थ्री इसकी वैल्यू पूछा गया बस इतना ही क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन है आपके पास तो फर्स्ट और सेकंड आपके पास अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ अब मेरे को अगर को फैक्टर फाइंड आउट करना है को फैक्टर फाइंड आउट करना है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि को फैक्टर फाइंड आउट करना है ये टू जीरो जीरो था, आ, जीरो था वन फोर जीरो था वन फोर जीरो था फिर टू वन सिक्स था टू वन सिक्स था अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को वैल्यू लिखना आपके पास सी वन वन की तो सी वन वन की वैल्यू लिख दूंगा ये सी वन वन की वैल्यू एम वन वन लिख देता तो हूँ यार अच्छा लगता है ये ये कैंसिल आऊगा चौबीस आ गया ये सही है सर वन टू की वैल्यू सी वन टू वैल्यू सर माइनस एम वन टू लिखो सर अच्छा लगता है इस जगह पे हो ये कैंसिल हो ये कैंसिल वन इंटू सिक्स टू इंटू जीरो सिक्स आया और ये, ये, ये माइनस था तो माइनस सिक्स आ गया सी वन थ्री लिख देते सर तो सी वन थ्री एम वन थ्री होगा एम वन थ्री इस जगह पे ये कैंसिल हो ये कैंसिल वन इंटू वन और माइनस एट है वन माइनस एट आ रहा है

इस जगह पे आप ये कैंसिल और ये कैंसिल हाँ तो टू इंटू वन और टू इंटू जीरो तो आ गया, और पहले से माइनस लगास टू कितर चौबीस सेवन मिडिल में एक माइनस फिर जीरो ट्वेल्व और माइनस टू कितना आ गया आपके पास देखो छ गया तो अठारह अठारह में से सात गया तो ग्यारह इलेवन माइनस ट्वेल्व टेन वन आ रहा है आंसर चेक करो वन आंसर वन आंसर आ रहा होगा मान लेते इसकी वैल्यू आपके पास नहीं इसकी वैल्यू मान लेते कि आपके पास के के इक्वल टू ऐसे नंबर नहीं दिया ये वन आ रहा है आपके पास आंसर जो पूछा गया था उसकी वैल्यू कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसा तो क्वेश्चन कोई भी क्रिएट कर सकता है कोई इशू थोड़ी है कि हमको हमको डर नहीं होना चाहिए अब हम हम थोड़ी बोलेंगे कि सर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एग्जाम में आया कि नहीं लाखों टाइप के क्वेश्चन होते कौन एग्जाम पहले से पूरे क्वेश्चन कर लेगा हम तो वैरायटी इसलिए कवर करते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा तरीका आपके पास हो आपके पास सोच अच्छी हो कल एग्जाम में जिसको जो पूछना है पूछ ले क्या इशू है एक मैट्रिक्स जो बनाना है बना ले हो। जो उसका मन करे पूछ ले तो वन आंसर आया था कुछ लोग आंसर वन दिए भी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कि चलो को फैक्टर माइनस में कोई इशू नहीं है बिल्कुल सर कोई इशू ही नहीं है सर सही है अभी टू है और भी टू मैट्राइसेस ए और बी ये बोला ए मैट्राइसिस बी मैट्राइसिस ध्यान से अगर सोचे कि सर ए दिया है बी दिया और जी आपके पास ए बी है और मेरे को एडजॉइंट ऑफ जी निकालना है मतलब तो जी ए बी दिया हुआ है और मेरे को बोला जा रहा है कि एडज्वाइंट ऑफ जी का डिटर्मिनेंट निकालना है ऐसे बोला था क्या हाँ एड ऑफ जी का डिटर्मिनेंट एडजॉइट ऑफ जी का डिटर्मिनेंट कितना होगा अभी तो आज की आज पहली क्लास जब हम स्टार्ट किए थे तो बोले जी का डिटर्मिनेंट और ये आपके पास एन माइनस वन हाइड्रोन जी का डिटर्मिनें ये किया थे हम लोग इसका मतलब है कि जी तो थ्री क्रॉस थ्री का होगा हाँ तो जी थ्री क्रॉस थ्री का होगा तो थ्री माइनस वन सर इसका स्क्वेयर सर बिल्कुल सही है अब जी का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी तो ए भी है अच्छा जी का डिटरमिनेंट होगा ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट तो आपको अलग से ए भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है सीधे ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट कर लो जब आप ए का डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हो तो ए का डिटरमिनेंट सोल्व कर लो यार ए का डिटरमिनेंट अगर आप सोल्व कर रहे हो तो ए का डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर कितना होगा ए का डिटर्मिनेंट के लिए मैं सेवन को पकड़ लिया ये कैंसिल और ये कैंसिल तो सेवन के साथ क्या आ गया सर दो और आठ माइनस आ गया माइनस आ रहा है सर ए का डिटर्मिनेंट अच्छा हाँ चलो बी का डिटर्मिनेट बताओ बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा बी का डिटर्मनेंट सिंपल ही था आपके पास कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं टू को ले लेता हूँ सर टू को लिया तो ये गया ये गया जीरो माइनस टू आ गया टू के साथ फिर फिर माइनस वन ले लेता हूँ सर ये गया ये गया हाँ ये और ये गया सर थ्री वन तो थ्री आ गया सर कितना आ रहा है ये सर माइनस फोर और माइनस थ्री माइनस सेवन आ रहा है सर ये बी का डिटर्मिनेंट अच्छा माइनस फोर्टी टू और माइनस सेवन आ रहा है तो कितना आ गया आपके पास माइनस फोर्टी टू टू माइनस सेवन कितना आ रहा है कितना आ रहा है कितना प्रोडक्ट आ रहा है तीन सौ चार नहीं नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन सर ऑडियो नॉट कमिंग ऑडियो आ रहा होगा यार ऑडियो क्यों नहीं आ रहा होगा ऑडियो आ रहा होगा हाँ ये बताओ ये सही किया कि नहीं चेक करो आप टू नाइनटी फोर ना वही तो मैं सोच रहा हूं टू नाइनटी फोर आ रहा है 294 को यहां पुट किए तो टू स्क्वायर फोर का असर, ये तो प्रॉपर्टी पे बेस बातें थी कि हमको जी के बारे में ये भी पता और हमको पता जी है ऑफ है तो कोई नॉर्मल अप्रोच कैसे सॉल्व करेगा पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा यस सर फिर उसका एड निकालेगा और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेगा पहले पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेगा प्रोडक्ट तो सभी को आता है फिर जी इक्वल टू जब ए बी आ गया तो उसका एडजॉइंट निकालेगा फिर तो एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उसके बाद ये करेगा तो बेसिक स्टेप तो ये कह रहा है आपके पास कि अगर मैं सॉल्व करूं कि आपके पास ए है तो स्टेप तो ये कह रहा है आपके पास कि स्टेप वन में सर ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते सर ए इंटू सर ए थ्री क्रॉस थ्री था सर और बी बी थ्री क्रॉस थ्री था तो सर मल्टीप्लाई कर लिए सर तो बन गया आपके पास जी सर थ्री क्रॉस थ्री सर ठीक है बन गया भैया फिर स्टेप टू स्टेप टू में सर मैं एड निकालूंगा अरे बाप में। तो सर एड निकालूंगा सर जी का सर ये मतलब एड ये एड निकालिए सर फिर फिर स्टेप थ्री में सर डिटर्मिनेट फाइंड आउट कर लूंगा इस एड का दिस द बेसिक प्रोसेस अब इसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो यही है कि किसी को अगर थॉट प्रोसेस नहीं पता तो बेसिक प्रोसेस है आपके पास तो बेसिक थॉट बेसिक थॉट पता था इसलिए अपन सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिए टू नाइन्टी फोर का स्क्वायर आ गया इसको बेसिक भी सॉल्व कीजिएगा ये होमवर्क हुआ बेसिक थॉट ये होमवर्क हुआ यस। ऐसे करना है आपको

आ जाओ इनवर्स पे आ जाओ मैं चलो जब मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं कि यार इनवर्स क्या होता है तो इनवर्स एडजॉइंट और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट होता है बट ये बहुत जरूरी है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं कि एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पता सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है

नॉन सिंगुलर इसका मतलब है कि सर ऐसे मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं टर्मोलॉजी हाँ। कहां से आता होगा सोचो एक मैट्रिक्स काेंट फाइंड आउट कर रहे हो एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो इसकी दो पॉसिबिलिटी है बस जीरो और एन कोई भी एक नंबर गया बिलोंग्स टू तो रियल नंबर कोई भी अब वो ये आपके पास मान लो कि नॉन जीरो है एक जीरो नॉन जीरो इसमें कितनी वैल्यू हो सकती है इसमें तो इन्फाइन वैल्यू हो सकती है कोई भी वन वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट एट लाखों वैल्यू इंफाइट वैल्यू नॉन जीरो तो इन्फाइट वैल्यू हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो नॉन जीरो वैल्यू यस सर लेकिन जीरो वैल्यू जो है ये एक ही वैल्यू ओनली वन वैल्यू जीरो तो एक ही वैल्यू होता है ओनली वन वैल्यू ओनली वन वैल्यू ओनली वन वैल्यू को बोलते हैं सिंगुलर वैल्यू ओनली वन वैल्यू को बोलते हैं सिंगुलर वैल्यू आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो सिंगुलर यूनिक वैल्यू ओनली वन वैल्यू ओनली वन वैल्यू तो सिंगुलर वैल्यू इसका मतलब है अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये सिंगुलर वैल्यू मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेट जीरो होता है क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है जीरो

मैट्रिक्स मतलब एक वैल्यू मतलब जीरो जीरो हाँ भाई हो सकता है इसके पहले कभी आप इतनी छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते होंगे कभी कभी तो आप डाउटफुल हो जाते होंगे कि डिटर्मिनेंट जिसका जीरो होता उसको है उसको सिंगुलर बोलते कि नॉन सिंगुलर बोलते पता नहीं भूल गया मैं बहुत दिन हो गया तो ऐसा होता होगा कभी कभी क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो होता है कभी कभी कि नहीं सर सर बचपन से पता है सर की एक, को एक वैल्यू को सिंगुलर बोलते और सिंगुलर मतलब एक वैल्यू और डिटरमिनेंट जीरो चलो मान लेते कि आपको पता था बता दिया करो कभी कभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीजें पता है आपको क्या क्या चीजें पता मेरे को कैसे पता चलेगा क्या बोलते हो पता था सब कुछ आगे बढ़ो आगे बढ़े अपन क्लियर क्लियर ना साउंड वगैरह सब कुछ आ रहा है साउंड सब कुछ आ रहा है अरे आप बोलोगे तभी तो समझ आएगा बोलोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा मेरे को बोलते रहा ना थोड़ा थोड़ा क्लियर सर क्लियर ठीक है चल तो सिंगुलर का मतलब आपको पता चल गया ठीक इज अ गुड थिंग बहुत ही अच्छी बात हम बोल रहे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के

और इनवर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है बिकॉज एड भी एक इनवर्स मैट्रिक्स का होता है डिटर्मनेंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है तो ये पूरे के पूरे टर्म्स इज ओनली वैलिड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स तो जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो ना स्क्वायर मैट्रिक्स की बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मनेंट जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है एड से भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है बिल्कुल और जब दोनों ही फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट नहीं होता एडजॉइंट नहीं होता तो इनवर्स भी नहीं होता ठीक है नॉन सिंगुलर अगर है तो फिर डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा और फिर हम इनवर्स की बात कर पाएंगे ठीक है चलो अच्छी बात है यस इतना क्लियर अब हम बोल रहे हैं कि यार ए बी का इनवर्स क्या होता है ये रिवर्सिबल जो प्रॉपर्टी आपके पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है तो अभी तक हमारे पास तो बहुत सारी बातें भी आ चुकी है क्या बहुत सारी बातें आ चुकी है सर हमारे पास तो सर बहुत सारी बातें आ चुकी है सर है सर ए बी कितना होता है तो लिख लो यार बी डिटर्मनेट इंटू ए डिटर्मनेट वैसे तो ए इंटू बी भी लिख सकते हो इसलिए फिर भी अपन ऐसा लिख दिया क्योंकि कोई इशू तो है नहीं यस सर ऐसा हम लिख सकते हैं और किसमें ऐसा आया था या? और किसमें ऐसा आया था बोले सर एडजोइंट ए बी इक्वल टू एडजोइंट बी इनटू एडज्वाइंट ए ये होता है आज हम बोल रहे कि ए बी का जो इन्वर्स होता है ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी का इन्वर्स इनटू ए का इन्वर्स होता है सर सब रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है सर आ, क्योंकि हमको क्लियर रहना चाहिए हमको क्लियर रहना चाहिए कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी भी चीज में कभी भी कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको ठीक है तो सर रिवर्सिबल प्रॉपर्टी इनवर्स भी करता है जैसे ट्रांसपोज और एड करते थे सर अगर मैं ट्रांसपोज लेके इन्वर्स करूँ ये पहले भी देख चुके हैं सर ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में कि एटी का अगर मैं जो कर रहा हूं आपके पास जो वैल्यू कर रहा हूं तो ट्रांसपोज बाद में कर सकता हूं मतलब इंटरचेंज कर सकता हूँ ए करके स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करके ए करूं तब अगर मैं बोलूं कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखे हो सर जो इनवर्स की प्रॉपर्टी आज दिख रही है उस समय हम इन्वर्स नहीं बोल रहे थे ए का पावर अगर हम बोल रहे थे कि ये एम है तो हम बोल रहे थे कि ए का पावर एम कर लो भाई और ट्रांसपोज ले लो सही है आज अगर मैं बोलूँ कि एम की जगह ये ट्रांसपोज का स्क्वायर कर रहे तो मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर का ट्रांसपोज कर लो अच्छा ओके तो मैं फिर तो बोल सकता हूँ कि ट्रांसपोस का इनवर्स भी निकाल लो तो फिर मैं बोलूंगा एम की जगह माइनस वन है तो इनवर्स का ट्रांसपोस निकाल लो ओके आज वही बातें ठीक है तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी अब अगर ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स हो जाता है ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है दिस वन अगर मैं ध्यान से बोलूं कि ए इन टू ए को अगर मैं देख रहा हूं हम बोल रहे कि सर ए इन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ए इन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इन वर्ष होता है क्या ए इनवर्स होता है सर एट ज्वाइंट ए डिवाइड बाई अच्छा? ये इतना है हमारे पास हम अभी प्रॉपर्टी लिखे कि ए इंटू इनवर्स की वैल्यू कितना होगा सर ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सर सर और इवन अपन इनवर्स भी कर सकते हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता सर, के बराबर होता है नंबर समान ऐसा दिखता है जैसे हम जानते हैं अगर मैं बोल दूं कि ये जो डेफिनेशन था इसी में मल्टीप्लाई कर देते तो ए इंटू ए इनवर्स ए इंटू इनवर्स मल्टीप्लाई करते तो सर ए इ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता सर ये और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ठीक है कितना कितना होता होता था? Adjoint up, adjoint, एक होता था? तो फिर अपने पास एक के फॉर्म में आ जाता मैं देख रहा हूँ कि कुछ पॉसिबिलिटी और दिख रही है क्या बनने की कुछ पॉसिबिलिटी है तो सिंपल है बट फिर भी मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको देखना चाहिए कि क्या हम इतना सारा पढ़ के आया तो उसमें से कुछ पॉसिबिलिटी है क्या ठीक है वही मैं देख रहा था कि कुछ पॉसिबिलिटी जम रही है क्या उस तरीके से कुछ दिख रहा है क्या आपको ठीक है चल हम यहाँ पे थे क्या कि एक या इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास इसका मतलब है कि ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का जब प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं ठीक है हाँ वही मैं देख रहा था कि कैंसिल आउट अगर आपके पास हो रहा है तो तो ठीक है मैं वही चेक कर रहा था कि कुछ अगर हमको सॉल्व करना है तो कुछ इस तरीके से हम आ, कुछ वैल्यूज को लिखे क्या करके मतलब तो उसको लिखोगे तो तो वही आ जाएगा यार इट्स ओके okay, उसमें कोई इशू नहीं था हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो आपके पास प्री मल्टीफिकेशन और पोस्ट है कोई भी मैट्रिक्स हो कोई भी मैट्रिक्स हो कोई भी, भी, भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो प्री मल्टीपिकेशन जब भी आप करते हो मतलब एक मैट्रिक्स बी है इसके सामने अगर मैं इसको बोलता हूँ कि जब मैं बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ एक बी में ये इसको बोलते हैं प्री मल्टीपिकेशन इनवर्स का इन द प्री मल्टीप्लिकेशन प्री मल्टीप्लिकेशन तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अगर एक बी मैट्रिक्स है और उसमें बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए तब तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ये कोई इशू नहीं यही कांसेप्ट हम यूज करेंगे केले हेमिल्टन थ्योरम जब पढ़ेंगे तो ठीक है ये भी प्रॉपर्टी ठीक है अब k इन टू ए का इन्वर्स है तो k इन टू ए का इन्वर्स अगर किसी ये ये देखने में लगता है लेकिन देखो कितना अच्छा है कि k इन टू ए का इन्वर्स है तो वन बाई के इन टू ए का इन्वर्स हो गया इसका मतलब है किसी मैट्रिक्स में किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसका आप इन्वर्स निकालने वाले इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल दूं कि सर देखिए सर एक ए मैट्रिक्स है हाँ वन टू थ्री फोर ठीक है वन टू थ्री फोर सर थ्री कर देते सर अब अच्छा थ्री ए कर देते तो कितना हो गया थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व हो गया सर ठीक है डिटर्मिनेंट uh, निकाल लेते हैं थ्री ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पर, ये, तो कितना हो गया थर्टी सिक्स और माइनस फिफ्टी फोर ठीक है तो कितना आ रहा है -18 आ रहा है, कितना आ रहा है हाँ थ्री का आपके पास डिटर्मिनेंट कर लिया हम लोग और एड निकाल लेते हैं, थ्री ए का निकाल लेते हैं। ये निकल के एड आपके पास बारह तीन माइनस सिक्स और माइनस नाइन आ गया अगर मैं बोलू कि मेरे को थ्री ए जो था आपके पास इसका अगर मेरे को इनवर्स निकालना तो क्या होगा थ्री ए का इनवर्स तो बोले एडजर्मिनेट थ्री है वैसे तो थ्री ए का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अपने को पता है लेकिन ठीक है माइनस एटीन से डिवाइड कर रहा हूं माइनस एटीन से डिवाइड कर रहा हूं तो पहला नंबर हुआ माइनस ट्वेल्व बाई एटीन ये ठीक है फिर कितना माइनस सिक्स बाई माइनस एटीन फिर कितना हुआ क्या हुआ थ्री ए का इनवर्स क्या हुआ थ्री ये, ये हुआ थ्री ठीक है देखिएगा ध्यान से अभी ए का जो वैल्यू था वो कितना था वन टू थ्री फोर था वन टू थ्री फोर इसका ए का इनवर्स कितना होगा सर ए का इनवर्स एडज्वाइंट ए होगा डिवाइड बाय डिटरमिनेंट होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना होगा माइनस टू so तो डिवाइड कर दिए तो माइनस टू बाहर माइनस टू बाहर है बाहर है. है और इनवर्स क्या होगा और ये yeah. माइनस टू से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है इनवर्स माइनस टू आ रहा है सर ये वन आ रहा है और ये कितना आ रहा है सर थ्री बाई टू आ रहा है सर और ये कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू ये क्या है सर ये एक का इनवर्स ये yeah. अब देखना ध्यान से थ्री ए का इनवर्स कितना निकला सर थ्री ए का इनवर्स कितना निकला कितना निकला था सर ये था सर अट्ठारह का डिवाइड किए छः से का डिवाइड करो तो सर माइनस टू बाई थ्री आ रहा है सर कितना आ रहा है सर माइनस टू बाई थ्री माइनस एटीन था माइनस इसकी वैल्यू कितना था आपके पास ट्वेल्व था ठीक है फिर वो कितना आ रहा है सर वन बाई थ्री आ रहा है सर ठीक है नौ सौ फिर यह कितना आ रहा है सर वन बाई टू सर ओके ये कितना आ रहा है सर माइनस वन बाई सिक्स सर इतना आ रहा है अगर मैं बोलूं कि मैं वन बाय थ्री बाहर ले लू तो कुछ गड़बड़ किए गड़बड़ किए अपन चेक करो सिंपल तो था थ्री ए की है नाइन बारह सिक्स थ्री सही है थ्री ए का डिटेल निकाले थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फोर इतने निकल रहा अपना कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ सर बारह इधर गया तीन इधर गया माइनस छः माइनस नौ तो बारह बटे अठारह माइनस टू बाई थ्री सिक्स वन बाई टू और थ्री बाई एटीन एट तो वन बाई सिक्स हाँ थ्री का यही निकला अपना और ए का इन्वर्स आपके पास ये था ए का इन्वर्स सही एकदम तो सर अगर मैं वन बाई थ्री निकाल लूं बाहर तो क्या क्या होगा वन बाई थ्री निकालोगे तो माइनस टू होगा सर ये वन होगा और ये वन बाय थ्री निकालोगे तो थ्री ऊपर चल जाएगा सही है सही है सही है। वो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं करती वन बाय थ्री निकलेगा तो कितना होगा सर माइनस वन बाय टू ध्यान देखो रिजल्ट कितना है सर वन बाय थ्री बाहर आ गया और ये ए का इन्वर्स आ गया ये वन बाय थ्री क्या है सर वन बाय थ्री सर वन सर वो फैक्टर है सर जो स्केलिंग फैक्टर था वन बाय के और ए का इनवर्स देखो ज़रा ध्यान से

इसलिए जब मैं थ्री का मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर पहले आ, एक एग्जाम्पल लिया और थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया देखो थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया था ये थ्री का मल्टीप्लाई किया तो कन्फर्म था कि आंसर यही आने वाला है देखा आपके पास थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया हमें तो कन्फर्म था कि कॉमन देखो सब आपके पास आ गया वन बाई थ्री आ गया और एक का इनवर्स आ गया ये जस्टिफाई किए है आप कोई इशू नहीं कभी कभी इतनी इन्वर्स के छोटा सा क्वेश्चन में इशू आ जाता है कि यार हमको क्लिक ही नहीं कर रहे ये अगर मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है क्लिक ना करें ये थर्ड वाला कोई इशू नहीं आएगा इवन फर्स्ट और सेकेंड आपके पास क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी जानते हैं इसलिए इशू नहीं आएगा अब आपको पता होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसका जो इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है ठीक है लिख लेता हूं इतनी सारी चीज बताते जा रहा हूं मैं आपको ठीक है अब देखिएगा एक आई टू मैट्रिक्स है

कि अगर मेरे पास एक आई थ्री मैट्रिक्स है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन तो मेरे को पता है कि इस आई थ्री मैट्रिक्स का एडज्वाइंट अगर मैं निकालूंगा तो वो भी यही आएगा वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो 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 वन और अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूंगा तो इसका इनवर्स भी वही आएगा तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ इशू ही नहीं है मैक्सिमम चीजें आपको पता होती है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वन आता है ठीक है तो टू क्रॉस टू लिया थ्री क्रॉस थ्री लिया इसका एडजॉइंट इसका इनवर्स अब सेम होता है तो ये भी ज्यादा इशू नहीं आता है जो प्रॉपर्टीज है हमारी है उसमें यह भी इशू नहीं होता है कौन सा इशू दिस वन ये भी इशू नहीं होता है ये अगर मैं बोलूं कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि जब इनवर्स आप फाइंड आउट कर लेते हो तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये इनवर्स के डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है ये देखो ध्यान से फिर मैं आता हूं चीजों पे कि अगर सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है ये वन टू थ्री फोर ये इसका एडजवाइंट आपको पता है यस सर फोर वन माइनस टू माइनस थ्री इसका डिटर्मिनेंट पता है माइनस टू ठीक है इसका ए इनवर्स कितना आ गया बोले ए इनवर्स सर ज्वाइन डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट आ गया एड डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट आ गया क्या आ गया बोले सर माइनस टू का डिवाइड किया तो कितना आ गया ये एडज्वाइंट माइनस टू सर पहला नंबर माइनस टू डिड बाई माइनस टू वन माइनस थ्री तो सर प्लस थ्री बाई टू और वन तो माइनस वन बाई टू सर पता है क्या है ये ए इनवर्स है हम बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम इनवर्स का कभी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते होंगे तो अब मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल तो हूँ इनवर्स के बाद डिटरमिनेंट कितना हुआ -2 1 2, sir. 1, sir. और डिटरमिनेंट सर माइनस टू इंटू वन बाई टू सर वन सर और माइनस वन इंटू थ्री बाई टू सर तो थ्री बाई आंसर विल बी वन माइनस थ्री सर माइनस वन बाई टू सर किसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेकिन ए का डिटरमिनेंट कितना था सर ए का डिटरमिनेंट माइनस टू था इसका मतलब है कि अगर मैं इनवर्स का डिटरमिनेंट बोल रहा हूं तो पता कितना है, कि है? माइनस वन बाई टू आया मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट ही इनवर्स का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट जो होता है इनवर्स का वो यही होता है वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी नहीं तो क्या होगा पता आपके पास लोग क्या करेंगे अगर आपको कोई बोल दे कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो पहले लोग इनवर्स निकालेंगे कंफर्म है उसके बाद डिटर्मनेंट निकालेंगे इतना आसान नहीं है कि लोग बोले कि सर मेरे को डिटर्मनेंट पता है मैं सीधे कर दू। इतना आसान नहीं है कि कोई ऐसा बोले मतलब अगर मैं से कोई बोल दे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कल मेरे पास सर एक ए मैट्रिक्स है ये वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू वन टू थ्री है कल मैं बोले कि सर इस मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री तो क्या कल मैं लिख सकता हूं क्या वन बाई सिक्स आंसर इंपॉर्टेंट चीज है सिंपली लिख दिया देखो जरा ध्यान से इट्स गुड थिंग

पहली वाली प्रॉपर्टी में रिवर्सल के कारण हम थोड़ा जानते हैं कि हां रिवर्सल होता है और सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का है तो थोड़ा सा केयर सेकंड में भी रख लेते हैं वैसे तो मैं बोलूंगा तो सेकंड इज आल इंपॉर्टेंट तो इन तीनों में सेकंड इज सिंपल फोर्थ और सिक्स में किसी को जल्दी क्लिक नहीं करेगा अगर नहीं पता हो जल्दी क्लिक नहीं करेगा फोर्थ और सिक्स फोर्थ और सिक्स जल्दी क्लिक नहीं करेगा आप भी इनवर्स पढ़े होंगे लेकिन इतने ध्यान से नहीं पढ़े होंगे आप भी इनवर्स पढ़े होंगे एडज्वाइंट पढ़े होंगे लेकिन इतने ध्यान से मेरे को नहीं लगता कि पढ़े होंगे इतने ध्यान से इतने ध्यान से पढ़े हो क्या आप इतने ध्यान से पढ़े हो क्या आप अरे इतने ध्यान से पढ़े हो क्या सब पूछ रहा हूं ध्यान से अगर मैं बोलूं कि टू क्रॉस टू का शॉर्टकट ऐसे लोग बोलते हैं ट्रिक शॉर्टकट जो भी बोलते हैं कुछ नहीं है एक टू क्रॉस टू में तो कुछ होता भी नहीं क्यों क्योंकि करते, एड़्जौंड 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 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होगा ये आपको पता है यार और इसमें मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो एडजॉइंट टू क्रॉस टू का सभी को पता चल चुका है और डिटरमिनेंट भी टू क्रॉस टू का सभी को पता है तो डिवाइड के तो आ गया तो इसका मतलब है कि टू क्रॉस टू में क्या ही ये कोई शॉर्टकट नहीं हो ये कोई शॉर्टकट नहीं हुआ मतलब अगर मैं बोल दूं किसी को कि लिखना है आपके पास कि एक ए मैट्रिक्स है आपके पास टू क्रॉस टू का टू थ्री फोर टू ये मैं बोलूं कि इनवर्स कितना होगा तो कुछ इनवर्स में रखा है क्या ये डिटरमिनेंट कितना हो रहा है फोर माइनस कितना हो गया ट्वेल्व तो माइनस आ गया

शॉर्टकट या ट्रिक बोलने का नीड नहीं है इट्स वेरी सिंपल ये लिखना चाहिए तो टू क्रॉस टू में कोई बात ही नहीं अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री की बात करूं कि मेरे को अगर थ्री क्रॉस थ्री का अगर चाहिए भाई क्या चाहिए चाहिए मेरे को थ्री क्रॉस थ्री का इन्वर्स निकालना है तो सभी को पता है तो पता आपके पास बहुत सारी बुक वाले लोग इसका शॉर्टकट ऐसा बनाए हैं कि हम एड का भी शॉर्टकट और इनवर्स डिटर्मिनेंट का भी शॉर्टकट हमको पता होता है तो मैं के लिए बता देता हूँ फिर डिटर्मिनेट का शॉर्टकट अभी जैसा लिखा था और बोले कि जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा तो थ्री क्रॉस थ्री का आपके पास इनवर्स के शॉर्टकट की बात होती है कि हम एडवाइंट का भी शॉर्टकट निकाल लेंगे इसका भी शॉर्टकट निकालेंगे ऐसे करके बात होते रहती है बट मैं अगर बोलूं मगर मैं बोलूं कि आपको अगर ऐसा लिखना है देख लो देखना ध्यान से देखना फिर बताता हूं क्या सपोज करो एक एग्जाम्पल है एक ए मैट्रिक्स है फिर डेटा अपन ले लेंगे वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री आंसर तो अपने को पता ही है इसका क्योंकि इसका अपने को डिटर्मिनेट पता है सर तो मेरे को डिटर्मिनेंट पता है इसलिए मेरे को आंसर पता है तो वो सिंपल है इसलिए कि सर वन इंटू टू इंटू थ्री सिंपल लिया पहले तो दिखाने के लिए एडजॉइंट भी पता है इसका तो यार आपको क्या होता है इसका सर एडज्वाइट पता है ना सर क्या सर ये सिक्स से पहला नंबर हाँ जीरो 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 टू का कितना है सर टू का सर थ्री सर ये भी पता है सर और थ्री का टू सर ये एड ज्वाइंट है भाई सर और ये सिक्स से डिवाइड करोगे तो इनवर्स कितना आ जाएगा सर ए का इन्वर्स आ जाएगा ना सर सर डिवाइड कर दो सर सिक्स से सर तो कितना आ गया सिक्स बाई सिक्स वन आ गया जीरो 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 फिर थ्री बाई सिक्स करे तो वन बाई टू आ गया जीरो 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 फिर कितना आ गया बोले सर टू बाई सिक्स करें तो वन बाई थ्री आ गया ये आपके पास आंसर सर एड जॉइंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेट कर लिया हमने दो से। तो इसमें ज्यादा टफ इसलिए नहीं हुआ इसमें इसलिए टफ नहीं है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं तो इनवर्स भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बन जाता है पता क्या बन गया? वन, वन टू और वन बन गया गया और इसमें कोई इशू नहीं है अच्छा मैं तो बात कर रहा था आपके पास कि क्या आप रैंडम नंबर को हैंडल कर सकते हो तो यस पहले मैं इसी को दिखाता हूं आपको कि वन जीरो जीरो था ये देख के आपको क्योंकि नंबर मैक्सिमम जीरो आपके पास बोला जाता है कि एडजॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ट्रिक बोलते हैं मैं तो पसंद नहीं करता ऐसा कोई ट्रिक बोलना बट फिर भी बोल जाता है कि ट्रिक बनाओ सर क्या ट्रिक बनाया भाई बनाते हैं सर ट्रिक बनाओ क्या बोले इसको थ्री क्रॉस थ्री का जो मैट्रिक्स है इसको फाइव क्रॉस फाइव बनाओ कैसे बनाएंगे फाइव क्रॉस फाइव बोले वन जीरो जीरो है आपके पास वन जीरो जीरो है फिर ऊपर का भी लिखो ये ऊपर वाला फिर जीरो टू जीरो है

इसलिए पहला कॉलम इधर आ गया पहला रो जैसे बुलियन एल में आप के एप लेते थे ये अब मैं बोल रहा हूं कि देखो करना क्या है देख लो भले आपके पास बोले सर टू थ्री जीरो जीरो। जीरो, जीरो 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 ये ये अब क्या पूरे नंबर आपके पास ऐसे हैं इसलिए ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर आपको लगता है कि सर एक मिनट सर कलर चेंज करते तो अच्छा लगेगा सर हाँ कर भी सकता हूँ को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि कलर चेंज नहीं कर सकते कर सकते ये ये वाला कलर में ये रखता हूं और ये वाले कलर में ये रखता हूं ठीक है देखते रहना यार अच्छा इतना सिंपल है कि, कि किसी को लगेगा सर ये तो जबरदस्ती का टफ है करके क्योंकि सब जीरो है ना इसलिए हमें को एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ टू इंटू थ्री आपके पास ये सिक्स हुआ सिक्स माइनस जीरो ये, जीरो, है पहला। ये, ये वन, ये ये जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू थ्री तो जीरो आ गया इसलिए वो सिक्स माइनस जीरो में मैं सीधे ही पहले आपको दिखा देता हूँ फिर करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखा रहा हूँ बस आपको फिर ये जीरो इंटू जीरो माइनस ये ये जैसे टू क्रॉस टू का लिखते हैं तो सर जीरो जीरो इंटू जीरो जब चीज आपको पता होती तो सॉर्टिक कितना खराब लगता है आपको जीरो इंटू जीरो और थ्री इंटू जीरो जीरो सर थ्री इंटू वन और जीरो इंटू जीरो तो सर थ्री सर अच्छा जीरो तो और जीरो इंटू जीरो नंबर ही अगर फ्रेम कर दू पूरे नंबर ही फ्रेम कर दू और फिर मैं बोलू कि यार मे को ना आप देखना ध्यान देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपको सब कुछ बता दू। इस दुनिया में जो होता है जो भी लोग जानते होंगे चाहे वो इंडिया इंडिया से बाहर जो भी पढ़ते हों कोई भी नंबर ले लेते ले हो ले ले, वन टू वन जीरो माइनस वन वन टू वन जीरो लिया ये नंबर ले लिया, ले लिया कुछ गबड़ तो नहीं लिया नहीं सर बस तो ये देख लेना कि पता चला रहा डिटर्मिनेंट जीरो आगे तो नहीं निकल रहे ठीक है सर ये आ गया अब देखना ध्यान से मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेता हूँ पहले फटाफट आंसर निकाल लेते ये आपके पास गया वन के साथ कितना आ गया माइनस वन इंटू जीरो माइनस वन आ गया हुँ? फिर जीरो के साथ गया जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा फिर टू के साथ टू के साथ आ गया ये गया ये गया टू और प्लस वन टू प्लस वन थ्री सिक्स आ रहा है माइनस वन प्लस सिक्स फाइव आ रहा है चलो अच्छी बात है ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया ठीक है ओके एड जॉइंट नाइन एलिमेंट्स का आपके आपके पास पास अब देखो मैं पहले में पास। फिर आपको पता रहे यार फिर मैं बहुत फास्ट सॉल्व करूंगा ठीक है जब मैं इसका फाइंड आउट कर रहा हूं फर्स्ट वाले का तो ये कैंसिल ये कैंसिल फिर मैं ऑड इवन भी बना लूंगा इसका ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो इंटू माइनस वन आ गया ये माइनस वन आ गया मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां पे जमाते जाऊंगा मतलब मैं ट्रांसपोज भी लेते जाऊंगा इसका जब निकाल रहा है ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो इंटू जीरो टू इंटू वन आ गया माइनस टू आ गया और प्लस टू लिख दिया क्योंकि ऑट पोजिशन था जब मैं इसके लिए निकाल रहा हूं तो ये कैंसिल ये, ये जीरो इंटू गया प्लस टू आ गया और प्लस टू लिख दिया अब मैं फर्स्ट रो सॉल्व किया फर्स्ट कॉलम जमा दिया अब सेकंड रो सॉल्व कर रहा हूं जीरो पे था आपके पास ये गया और ये गया तो कितना गया? आ गया टू इंटू जीरो माइनस वन आ गया यहाँ पे आपके पास जमा रहा हूँ कितना था माइनस वन लेकिन मेरे पास जो पोजिशन है यह ऑट पोजीशन ऑट पोजीशन इसलिए प्लस वन आ गया फिर माइनस वन पे था ये गया और ये गया तो जीरो इंटू जीरो और माइनस टू माइनस टू माइनस टू देगा क्योंकि ऑट पोजिशन है यहाँ पे हूँ ये गया ये गया ये और ये गया तो वन माइनस फोर माइनस थ्री है लेकिन ऑर्ट पोजिशन है इसलिए प्लस थ्री फिर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इसको सॉल्व कर रहा हूं ये गया ये गया टू और प्लस वन थ्री ये थ्री आपके पास ये थ्री आ गया टू प्लस वन थ्री ठीक है सर इस पोजिशन सॉल्व कर रहा है ये गया ये, गया, ये गया, वन इंटू वन और जीरो इंटू वन तो वन आ रहा है लेकिन नॉट पोजिशन थी इसलिए माइनस वन आ गया यहाँ के लिए सोल्व कर रहा हूं ये गया माइनस वन तो माइनस वन आ गया नाइन कैलकुलेशन करना पड़ता है तब जाके आपके ऐसा आंसर आता है ये एडजॉइंट का आंसर आ गया वो डिटर्मिनेट का आंसर आ गया और आपको कोई बोले कि इनवर्स निकालना है तो आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो अच्छा खासा मेंटल प्रेशर के साथ फिर आप इन्वर्स निकालते हो बस देख लेना कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो बहुत तो फास्ट करने की कोशिश आपको दिखाने की कोशिश टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव और माइनस वन बाई फाइव फिर इनवर्स निकल के एडज्वाइंट और डिटर्मिनेंट आपको पता है तो चेक कर लेना कैलकुलेशन, चेक कर लेना अब मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे पास वन टू वन है फिर चेक कर लेना ये अब ये इसी में कुछ मिस्टेक कर दिया तो फिर मिस्टेक हो जाएगा ठीक है अब ए का अपन लिख, लिख लेते कि सर ए मैट्रिक्स क्या था अच्छा ए क्या था ए लिख लेते सर क्या एग्जाम्पल लिए थे आप वन टू वन हाँ वन टू वन फिर क्या एग्जाम्पल लिए थे जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन फिर क्या लिए थे डेटा टू वन जीरो टू वन जीरो इतना लिख लिया सर मैं तो सोच रहा हूँ सर कि डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ निकाल देंगे भाई डिटर्मिनेंट क्या करेंगे सर वन टू वन थोड़ा दूर दूर लिख लेते सर वन टू वन फिर वन टू सर ठीक है भैया जीरो माइनस वन वन सर और फिर जीरो माइनस वन सर ठीक है भैया फिर सर टू वन जीरो फिर सर टू वन ठीक है इस वाले नंबर को ग्रीन कलर कर दिया ओके इस वाले नंबर को ग्रीन कलर कर दिए इस वाले नंबर को ग्रीन कलर ग्रीन में लिख रहा हूँ पहला तो जीरो ही आ गया क्योंकि एक जीरो है तो टू वन टू फोर सर थर्ड वन जीरो जीरो सर ये गया माइनस कलर चेंज कर देता हूँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ ये वाला टू माइनस वन और माइनस वन ये तो माइनस टू आ रहा है पहला फिर वन 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 ही आ गया तो इसमें तो जीरो था सर इसलिए तो जीरो आ गया चेक कर लेंगे क्या रहा अभी डिटर्मिनेंट ए का अगर फोर हाँ और ये माइनस प्लस वन सर फाइव ये आंसर फाइव आ गया फाइव था डिटर्मिनेट था सर फाइव ये अब देखो ध्यान से क्या देखे सर ध्यान से देख लो ध्यान से ठीक है लिख रहा हूँ मैं आपको रेडी है ना मेंटली सर ये फाइव क्रॉस फाइव बना रहे सर वन टू वन बना ले वन टू लिख लेते सर लिख लो भाई वन टू जीरो माइनस वन वन

इससे yes, मल्टीप्लाई फिर माइनस भी करेंगे हाँ सर इसमें भी ऐसे करेंगे ये जो कलर है पॉजिटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला फिर माइनस भी करते डायगोनल एलिमेंट्स को सर सर कलर कलर कलर, कलर चेंज कर, कर लो यार ये तो दिस ज्वाइंट वन, दिस वन, दिस वन, सर लिखे क्या सर लिख देते ए लिखते क्या है पहला एलिमेंट सर माइनस वन इंट जीरो गया सर माइनस वन आ रहा सर पहला अच्छा हाँ सर फिर दूसरा सर वन इंटू वन और टू इंटू जीरो टू इंटू जीरो सर वन आ रहा सर अच्छा फिर टू इंटू वन सर और माइनस वन इंटू वन तो सर टू और ये प्लस वन हो गया सर थ्री सर अच्छा यहाँ पे वन इंटू टू सर टू और जीरो इंटू जीरो जीरो फिर जीरो इंटू वन गया सर वन इंटू टू तो मुझे माइनस टू सर अच्छा वन इंटू जीरो और वन इंटू वन जीरो गया सर माइनस वन सर थर्ड जीरो इंटू वन गया सर, और मिडिल का भी माइनस तो प्लस वन सर थ्री माइनस वन सर ये एडजॉइट आ गया फाइव से डिवाइड कर देंगे कुछ गड़बड़ किए थे क्या सर माइनस वन वन थ्री आ रहा था माइनस वन वन थ्री और सर टू माइनस टू माइनस वन टू माइनस टू माइनस वन क्या बात है टू थ्री माइनस वन टू थ्री माइनस वन आ गया ये देखो एडजॉइट निकाली जल्दी बताओ यार जल्दी बताओ हम्म देखा आपको डिटर्मिनेंट जैसे करते थे वही था वो थ्री क्रॉस थ्री था बढ़ाते गए इसमें और बढ़ाते गए पर इसमें एक रोड एक कॉलम को डिलीट मार दिया फिर उसके बाद जैसे टू क्रॉस टू को सॉल्व करते हुए उसे जमाते गए बस ये कि कॉलम को रो में जमाए ये पूरे को रो में जमाए अपन यार वन है यार वन है यार वन में जमाए ये यार टू में जमाए ये यार थ्री में जमाए बस वही तो था इसका मतलब है कि दुनिया बहुत बड़ी है नहीं दुनिया बहुत बड़ी है पता नहीं क्या क्या चीजें होती है बहुत सारी चीजें लेकिन मजेदार चीजें दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन मजेदार चीजें लग रहा था कि फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक ना हो जाए लेकिन नहीं हुआ इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सही है एकदम मैथ्स मेरा अच्छा है खराब नहीं है क्या बोलते हो आप नहीं गया आपको दिखे सर इसलिए फटाफट अपने से डेटा में कुछ भी ले लेता हूँ जो मन कर रहा है वो ले लेता हूँ कोई सो इसमें नहीं सर अब तो आप ये ये लिखा हुआ था फॉर एड ज्वाइंट ये, ये सब लिखा हुआ था ये तो मैं सॉल्व कर दिया क्योंकि सब मे को याद याद हो गया है पूरे देर तक यही सोचते हैं ये भी आपको सब पता है तो आपको पता है बोला डिटर्मिनेट और लिखने वाला बात ठीक है आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं हाँ किसी को देखना है तो इसके लिए ये लिखा हुआ बाकी मैं समझा चुका हूं किसी को देखने के लिए ये किसी को देखने के लिए कि फर्स्ट फर्स्ट रो कॉलम इंटरचेंज हुआ और ये सॉल्व करते गए देखो लिखा हुआ अब चलो क्वेश्चन की बात करते कि सर इनवर्स पूछा था सर अब कोई बोलेगा सर 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन सर इतना इजी तो इतना हैप्पी होने का नीड नहीं है कितना इजी सर डिटर्मिनेंट तो सर सात माइनस दस आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है सर ठीक है आ रहा है लेकिन सर माइनस थ्री बाहर कहीं नहीं दिखा है, तो कोई बात नहीं है यार अब आपके पास जब आपको पता ही है कि इसका जब एडजॉइंट की बात करोगे तो ये एडजॉइंट आपके पास ये हो, आप हो गया यार एड ऑफ ए क्या हो गया ये हो गया भाई सेवन वन माइनस टू माइनस फाइव और डिटर्मिनेंट कितना आ गया सर डिटर्मिनेंट आ गया सर कितना आ रहा है सात माइनस दस माइनस थ्री सर तो माइनस थ्री से डिवाइड कर दो अगर इनवर्स निकालना है तो तो माइनस वन बाई थ्री लेकिन ऑप्शन में तो थ्री था बाहर सर तो ठीक है माइनस माइनस से हम अंदर को ले लेंगे तो माइनस को अंदर लिया तो वन बाई थ्री बच गया और, को जैसे अंदर तो हो गया और ये कितना हो गया सर माइनस वन हो गया तो माइनस सेवन टू फाइव माइनस सेवन टू फाइव माइनस वन ये आंसर आ रहा है सर हाँ मतलब तो क्या है? दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड का पार्ट दो हजार सात का ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे तो इसका मतलब सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते आंसर इज नो क्या ऐसे क्वेश्चन आते तो आंसर इज नो क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आंसर इज यस सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते ना यार बहुत सारे क्वेश्चन आते तो टू क्रॉस टू का पूछा था 2007 में क्या इसमें इशू होगा अब टू क्रॉस टू का 2010 हजार दस में पूछ लिया आई टी गुवाहाटी में अब आपके पास पूछ लिया तो देखो आपके पास क्या आई है ये तो ये भी सॉल्व हो गया सर क्या ए का डिटर्मिनेंट कितना रहा सर ए का डिटर्मिनेंट सर फोर ये तो अपना नंबर है यार अपना वाला मैट्रिक्स है माइनस टू सर ये डिटर्मिनेंट आ गया एडजवाइंट आपके पास पता ही है तो एडज्वाइट लिख दिया सर ये तो टू क्रॉस टू सर ये तो हमारा नंबर ही है तो हमारे नंबर है सर कि ये फोर वन और ये माइनस टू और ये माइनस थ्री सर ये डिवाइड कर दी सर माइनस टू से तो पहला वाला माइनस टू आ गया फिर कितना आ गया वन आ गया तो माइनस टू और वन आपके पास ये सी आंसर आ गया सी वन टू थ्री फोर था आपके पास टू क्रॉस टू का दो हजार दस में क्या डिटर्मिनेंट पॉजिटिव रहेगा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव रहेगा ए का डिटर्मिनेंट मेरा भाई वन इंटू फोर फोर माइनस सिक्स तो माइनस टू नहीं होगा यार क्या पॉजिटिव ये कोई मॉड का साइन है क्या डिटर्मिनेंट का जो साइन है ऐसा मत करना यार तो तूफान मत जाएगा समझ रहे हो भगवान को ऊपर से नीचे आना पड़ जाएगा चलो मैं पूछता हूं कि चलो किसी को अगर मैं पूछूं कि ये क्वेश्चन 2005 हजार बॉम्बे का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो एक्स वाई और पी मैट्रिक्स है तीन मैट्रिक्स है और बोला कि ये आप बताओगे क्या होगा करके नहीं सोल्व कर सकते हो कर लेंगे सर कर लेंगे सर बिल्कुल आराम से सॉल्व कर देंगे एक्स का मैट्रिक्स दिया है वाई का दिया है बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे ये जब आपको ऐसा कोई बोलता है ये ऐसा आपके पास कोई बोलता है तो देखो एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई लिखा है तो एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई कितना हो गया सर एक्स ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है ना सर वो थ्री क्रॉस फोर हो गया सर और वाई का ऑर्डर कितना हो गया वाई का ऑर्डर फोर क्रॉस थ्री हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फोर कैंसिल आउट तो x ट्रांसपोज इनटू y वाई का ऑर्डर हो गया सर एक स्क्वेयर मैट्रिक्स बन गया थ्री क्रॉस थ्री फिर क्या करना था बोले सर इसका इन्वर्स करना था अब अगर कोई बोले कि इसका अगर मेरे को इन्वर्स करना है तो इन्वर्स करने के बाद भी उसका ऑर्डर वही रहता है इन्वर्स से ऑर्डर चेंज नहीं होता है तो एक्स ट्रांसपोर्स वाई के इन्वर्स का ऑर्डर भी वही होगा ये को भी सेम रहेगा इनवर्स करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता किसी मैट्रिक्स का <coughs> और इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है तो सही बात है। अब जब मैं बोल रहा हूँ पी का ऑर्डर कितना है सर बोले पी का ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है ठीक है और एक्स ट्रांसपोज वाई के इनवर्स का ऑर्डर कितना है बोले थ्री क्रॉस थ्री है तो क्या हुआ रिजल्ट रिजल्ट ये हुआ कि यार दोनों के कैंसिल आउट हो गया कितना अच्छा, तो उसके लास्ट स्टेप अच्छा था कि अब पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना इसके साथ इसके साथ पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना इसके साथ अब आपके पास रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या है तो पी x ट्रांसपोज y के इनवर्स का ऑर्डर कितना आया भाई सर टू क्रॉस थ्री आया अब मल्टीप्लाई करना है इसके p ट्रांसपोज को p ट्रांसपोज कितना होगा अगर p का ऑर्डर जो है वो टू क्रॉस थ्री है तो p ट्रांसपोज का कितना होगा थ्री क्रॉस टू होगा अगेन ये कैंसिल आउट हो गया थ्री थ्री कैंसिल आउट हो गया रिजल्टेंट क्या बचा रिजल्टेंट बचा पी इंटू ट्रांसपोज वाई के इनवर्स

तो P X ट्रांसपोर्स Y का इन्वर्स और P ट्रांसपोर्स का ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर जो है वो टू क्रॉस टू का टू क्रॉस टू ही हो गया लेकिन याद रहे कि ये जो कॉलम था वो रो बन गया और रो कॉलम बन गया ये ऑर्डर चेंज होते लेकिन दोनों सेम थे इसलिए टू क्रॉस टू और यही पूछा मुझे से आंसर कि कितना आंसर आएगा करके इसका तो टू क्रॉस टू आएगा तो ऐसे क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं चाहे वो कभी भी आया हो क्या ही प्रॉब्लम

तो उससे बनने वाला जो ए इनवर्स होगा उसका ऑर्डर भी टू क्रॉस टू होगा अगर एक ए मैट्रिक्स है आपके पास फोर क्रॉस फोर का तो उससे बनने वाला जो ए का इनवर्स होगा वो भी फोर क्रॉस फोर का होगा इसका मतलब है कि एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास टेन क्रॉस टेन का तो उसका जो इनवर्स होगा इससे जो बनने वाला अगर बी का इनवर्स अगर आप निकालोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा मतलब वही ऑर्डर सेम रहेगा एक सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर टू क्रॉस टू है और अगर मैं सी का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि टू क्रॉस थ्री हो जाएगा क्यों नहीं हो सकता आपके पास क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है तो पॉसिबल नहीं है तो ये बात ही नहीं हो सकती कभी कि सर सी मैट्रिक्स टू क्रॉस थ्री था तो सी का इन्वर्स भी टू क्रॉस थ्री होगा क्यों पॉसिबल नहीं है पर ये सब तो पॉसिबल है तो इन्वर्स का ऑर्डर वही होता है जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं ठीक है सर ये तो सिंपल बातें थी इतना क्लियर इतना क्लियर अब ये 2002 हजार दो, दो आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन था एक डायगोनल मैट्रिक्स था बोल रहा है इसका इन्वर्स बता। इसका बताओ अब में क्या है एडजॉइन में ऐसे लिख सकता डिटर्मिनट में ऐसे लिख सकता हूं अगर मेरे को लिखना ही है तो सोचो ना ये डायगोनल मैट्रिक्स है यार डायगोनल मैट्रिक्स है ये तो ये उनका बड़ा फेवरेट होता है डायगोनल मैट्रिक्स पॉइंट टू वन और पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.1 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया प्रोडक्ट 0.2 1 0.5 बोले सर 0.1 आ गया ये नहीं आ गया 0.1 अब एडजॉइंट कितना होगा एडजॉइंट में भी कोई इशू नहीं है एडजॉइंट में इसलिए इशू नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब आप 0.1 पे रहोगे तो 1 0.5 होगा 1 0.5 होगा जीरो, जीरो, जीरो जब वन पे रहोगे तो पॉइंट टू टू फाइव होगा ये भी आपको पता है फिर जीरो जीरो जब फाइव पे रहोगे तो पॉइंट टू इंटू वन होगा डायगोनल के बारे में आप जानते ही हो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि एक इन्वर्स अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो एट अपॉन डिटर्मनेंट एट अपॉन डिटर्मनेट अब क्या था जीरो तो जीरो तो 0. 0. से तो से डिवाइड डिवाइड किए तो तो कितना हो गया ये आपके पास हो गया, 2, 2 गया, तो हो गया गया करोगे तो तो जाएगा वैसे 5 और 2 का करें डिवाइड तो तो आ, गया, तो 5, 1, आ ये का डिवाइड किए तो आ आंसर क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स का कोई पूछ रहा है तो इज वेरी, वेरी सिंपल। क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आपको जिस जगह पे आप रहते हो बाकी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है तो सर इसका मतलब तो ये है कि मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कंक्लूड अगर मेरे को कभी किसी का मन कर रहा है कि सर कंक्लूड करते हैं सर कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करना चाहते हो सर लेमडा वन जीरो 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 लेमडा टू जीरो और जीरो जीरो लेमडा थ्री ये है सर एक डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है भैया ये है डायगोनल मैट्रिक्स लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री ठीक ओके बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा बोले सर इसका एडजॉइंट हमको पता है क्या होगा बोले सर लेमडा वन का होगा लेमडा टू लेमडा थ्री ठीक है सही है

तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कल मैं आपको बोल दूं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री और आपको मैं बोल दूं कि ए का इनवर्स कितना होगा तो आप बोलोगे वन जीरो 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 वन बाई टू जीरो जीरो वन बाई थ्री हाँ अगर आपके पास एक मैट्रिक्स कल दे दू मैं दस जीरो 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 ट्वेंटी जीरो 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 थर्टी तो इसका इन्वर्स कितना होगा अच्छा इसका इनवर्स वन बाई टेन जीरो जीरो वन बाई जीरो, जीरो तो मस्त चीज है सर हाँ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात चल रही थी जनरलाइज करना हमको पसंद है कर लिए हम लोग नहीं कर लिए कर लिए सर बिल्कुल अच्छे से कर लिए कर लिए तो मैट्रिक्स आपके पास गिवन था तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तो सीधे इसको लिख सकता था कि सर ये जो एलिमेंट्स होगा ये होगा हाँ ये जो एलिमेंट्स होगा वो होगा और ये पॉइंट फाइव होगा वो अपन पॉइंट टू फाइव होता है तो फाइव वन टू आना चाहिए था तो आ गया आपके पास इसका मतलब है कि सर हमको तो पता ही था कि सर इसका आंसर होगा वन अपॉन पॉइंट टू मतलब बाकी सब जीरो जीरो वन का रेसिप्रोकल वन जीरो जीरो और ये वन अपॉन पॉइंट फाइव होगा इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट होगा आपके पास टू आएगा ये हाँ सर ये वाला बहुत अच्छा है कौन सा वाला दिस वन सर द गुड कंसेप्ट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री तो उसका इन्वर्स सर, उसके एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है और सर अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कर दूं तो अच्छा इसका डिटर्मनेट कर दो मतलब इनवर्स का अच्छा इनवर्स का डिटर्मिनेंट करोगे तो वन अपॉन लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री आ जाएगा और थोड़ी देर पहले बताया था मैं क्या कि लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री तो इसका डिटर्मिनेंट है तो वन अपॉन डिटर्मनेंट ए सर यस सर ये तो आप थोड़ी देर पहले बताए भी थे कि किसी इनवर्स का डिटर्मनेंट अगर करते हो तो वन अपॉन डिटर्मिनेट हो जाता है सही है सबको इतना क्लियर है कि नहीं जल्दी बताएंगे आप तो सर ऐसे क्वेश्चन जो आते तो सर वो तो देख के बन सकता था जब आपको बहुत सारी चीजें पता हो सब कुछ पता हो तो फिर आप देख के सॉल्व कर लेते आई होप आपको क्लियर हुआ आई होप आपको क्लियर हुआ ठीक है सर अगर फाइव जीरो टू जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है इसका इन्वर्स मेरे को फाइंड आउट करना है देखो आपके पास ध्यान से आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पढ़ाया नहीं अभी तो अभी फिर मैं आगे उस तरीके से क्यों जाऊंगा जो पढ़ाया नहीं उसका कंसेप्ट यूज नहीं करना चाहता हूं अब ये आपके पास एक इन्वर्स है बोले सर और बहुत सारे जीरो भी दिए हुए मैं डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ नहीं तो ये आपके पास यही मैट्रिक्स है ये नाइनटी नाइनटी एट आई डी देगा क्वेश्चन जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट मैट्रिक्स जब पढ़ लेंगे तब तो हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या क्या बातें होती है घर अभी तो हमारे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स है फाइव जीरो टू सर अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार इतने सारे जीरो है तो मैं बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ अगर क्योंकि मेरे को पता है कि चार जीरो दिए हुए तो मैं बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ तो इसमें मैं शॉर्ट टिक ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं है इसलिए इशू नहीं है क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को डिटर्मिनेट निकालना है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट निकालना ज़्यादा टफ नहीं होगा फाइव के साथ कितना हुआ सर फाइव के साथ थ्री हुआ सर फाइव इंटू थ्री सर जीरो के साथ तो जीरो हो गया और फिर प्लस टू के साथ कितना हुआ टू इंटू ये गया ये गया और माइनस सिक्स हो गया सर मतलब कितना हुआ फिफ्टीन और माइनस ट्वेल्व सर थ्री आ रहा है डिटर्मनेंट दस सेकेंड में डिटर्मिनेट पता चल गया नहीं पता चल गया डिटर्मिनेंट यस अब मेरे को एड ऑफ ए चाहिए एड जॉइंट ऑफ ए चाहिए तो को फैक्टर में ट्रांसपोज ले लूंगा फर्स्ट में जाऊँगा ये गया ये गया थ्री इंटू थ्री आ गया बस जब मैं जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ फ्रेम करूंगा इसमें गया आपके पास ये गया ये गया जीरो इंटू वन जीरो हो गया टू इंटू जीरो जीरो आ गया जब मैं टू में गया तो ये गया ये गया जीरो और ये सिक्स आ गया आपके पास तो माइनस सिक्स आ गया अब मैं फिर यहाँ जा रहा हूँ तो जीरो पे गया ये गया ये गया जीरो इंटू वन और जीरो ये जीरो आ गया जब मैं थ्री में गया तो ये गया और ये गया तो फाइव इंटू वन और टू इंटू टू फोर वन आ गया जब मैं इसमें गया तो ये गया और ये गया तो ये आपके पास जीरो ही आ गया तो जहाँ जहाँ पे माइनस आ सकते थे वो सब जीरो आ गया नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो फिर अब इसमें गया तो ये गया और ये गया जीरो जीरो माइनस सिक्स आ गया फिर जब इसमें गया तो ये गया और ये गया तो ये जीरो आ गया और जब इसमें गया तो ये गया ये गया फिफ्टीन आ गया इसका मतलब ये है कि देखो आपके पास अगर ये चार जीरो अगर है इन जगह पे अगर ये चार जीरो है तो इसका मतलब है कि जब आप इसका एडज्वाइंट निकालते हो मतलब को फैक्टर निकालते हो तो वो चार जीरो अपनी जगह पे फिर से वैसे ही आने चालू हो जाते हैं अच्छा था सर ये अब आपको करना क्या था सर इनवर्स निकालना था इनवर्स में कोई इशू नहीं है क्यों अपन डिटरमिनेंट थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री से डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट डिवाइडेड होगा मैट्रिक सही है वन सर जीरो जीरो, जीरो माइनस टू फिर जीरो वन सर वन बाई थ्री जीरो सर ठीक है थ्री सर माइनस टू फिर सर जीरो सर वही कितना आ गया फाइव ये आ गया इनवर्स सर वन जीरो माइनस टू जीरो वन बाई थ्री माइनस टू फाइव ए आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते बड़ा सिंपली निकाल लिया बिकॉज जब आपको दिख जाते हैं कि एलिमेंट आपके पास नौ में से चार तो जीरो है उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में रहते तो आपको पोजिशन के बारे में भी आइडिया होना चालू हो जाता है एग्जाम तो अभी टाइम है ना आपको तो पोजीशन के बारे में पता चल गया कि अच्छा ये इज द वेरी गुड पोजीशन क्यों क्योंकि जब कोफ़ैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि इस जगह पे अगर ये चार जीरो बना के ये नाइन एलिमेंट में से इन चार जीरो को बना के बनाया गया है तो वो चार जीरो की पोजीशन जीरो इज वेरी वेरी गुड मैट्रिक्स इसका मतलब है कि आप इसको गुड मैट्रिक्स की कैटेगरी में रख सकते हो कि सर ये जो मैट्रिक्स है ना सर ए क्या मैट्रिक्स आपके पास फाइव जीरो टू और जीरो थ्री जीरो और टू जीरो वन ये जो आपके पास है ये दुड मैट्रिक्स गुड मैट्रिक्स फॉर इनवर्स बिल्कुल द गुड मैट्रिक्स फॉर इनवर्स ओके इसलिए बोले जल्दी निकल गया अपना बहुत जल्दी निकल गया अपना अब ये इस साल का पेपर है 2024 का बोले कि किसका इन्वर्स होगा विच ये इस साल का क्वेश्चन है इस साल आईसी बेंगलोर का जो पेपर था बोले कि किसका इन्वर्स होगा इसका मतलब ये है कि किसी एक का किसी एक का इन्वर्स होगा तीन के नहीं होंगे

बताओ आप ही बताओ वो डाल दिया उसको लाइव वो कर दिया ना हाँ जल्दी बताओ कुछ रखा नहीं है यार कुछ रखा नहीं है इसमें यार मेरे को बताओ जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा अब मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको बोलूं कि देखो यार वन टू थ्री है और ये टू फोर सिक्स है तो ये तो ये तो तुरंत ही दिख रहा है कि आर टू इक्वल टू टू आर वन है और जैसे आर टू इक्वल टू टू आर वन है भाई साहब तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो जाएगा यस सर तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया इसका इन्वर्स तो हो नहीं सकता यस सर वन फोर एट है आपके पास देखो ध्यान से खो अब इतना तो बताओ आप दिमाग काम करना ही चाहिए कि आर थ्री इक्वल टू सर थ्री आर वन है सर

इस रो में तो ये बन रहा है सर लेकिन इसमें नहीं बन रहा है इसका मतलब है पता है क्या है सर आर थ्री इक्वल टू आर वन बाई टू है सर सही बात है तो सर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा क्या होगा ना भाई इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा इसका नहीं होगा खत्म बी सी आंसर और आपको नहीं दिख रहा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा ना जिसका इन्वर्थ होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स तो एक ही वैल्यू जिसकी होती है द सिंगल वैल्यू दैट मीन द डिटर्मिनेट Will be yeah. तो, वैसे आएंगे तो नहीं बनेंगे तो इसी साल का क्वेश्चन 2024, 2024, 2024. में भी क्वेश्चन तो के बारे में इतनी सारी बातें कर दी है एड ज्वाइन के बारे में इतनी सारी बातें कर दिया तो मैं पूरा डिटेलिंग कर डाल रहा हूं मैं तो बोल रहा हूं कि आप अगर एक भी क्वेश्चन नहीं लगाओगे और सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो पढ़ लिया तो एग्जाम में आप एंट्री मार सकते हो फिर भी मैं आपको डीपीपी दे दे रहा हूं अभी एक दिया हूँ दूसरी डीपीपी देने वाला हूं जल्दी बताओ आप नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा चल आगे बढ़ रहा हूं देखिएगा ध्यान से इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स के कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की बात

और वो डी है।, okay, मतलब है आपके सिंगुलर मतलब डी सिंगल वैल्यू आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू यूनिक वैल्यू यूनिक वैल्यू तो मेट्रिक्स सिंगुलर और डीजेरेट इव है इज़ जीरो तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है इट्स वेरी सिंपल लेटर बोल दिया इन्वर्टिबल ट्रम के लिए तो अभी अगर हम बात करें कि सर अभी हम पढ़ के आ रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ यार जिसका डिटर्मिनेट जीरो होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इधर यूनिक वैल्यू इज वेरी सिंपल यस सर चौबीस माइनस चौबीस किया तो हो गया कोई इशू नहीं सर सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल बाद में बात करूंगा मैं? आने वाला टाइम अभी आएगा इन्वर्टिबल अगली क्लास तक इन्वर्टिबल की बात करूंगा ठीक है अभी जबरदस्ती परेशान नहीं करते नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेट जीरो ना हो नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो और इसी का आपके पास इनवर्स होता है तो हर टाइप का मैट्रिक्स दस में से आठ मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर ही होता है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है ये भी अपने को पता चल गया नॉन सिंगुलर मतलब एनी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ठीक है एनी वैल्यू ऑफ द डिटर्मनेंट नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल बोलते हैं नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल बोलते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे बोलो इस टर्म लॉजिक की बात करेंगे

इंडिया का कोई भी पेपर हो जिसमें मेट्राइसिस इन्वॉल्व है वहाँ तो पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं लोग जबकि बड़ा सिंपल बट फिर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताया आपके पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम होता उसको है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो गया तो पता है आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज अच्छा हाँ और ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद अगर मैट्रिक्स सेम है इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ए आई जे इक्वल टू ए जे आई तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि यार अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात अगर इतनी कर ही रहा हूं तो ये देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का हमारा वाला मैट्रिक्स ए आई जे 2 क्रॉस 2 हम जैसा लिखते हैं क्या ग्यारह बारह इक्कीस और बाईस ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास इसका ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा ये तो ए मैट्रिक्स हो गया इसका ट्रांसपोज क्या हो गया ट्रांसपोज होने से ये ग्यारह बारह यहाँ आ गया हाँ और इक्कीस और बाईस यहाँ चला गया देखो यार ग्यारह और बारह तो अपनी जगह पे ही है ग्यारह और बाईस सिर्फ क्या हुआ बताओ आपके पास इक्कीस और बाईस इंटरचेंज हो गया और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब है कि की वैल्यू बारह के बराबर होना चाहिए बारह की वैल्यू इक्कीस के बराबर होना चाहिए देखो जरा ध्यान से, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्वेल्व की वैल्यू ए ट्वेंटी वन के बराबर होना चाहिए होना चाहिए एक ही बात हुई या ए ट्वेल्व की वैल्यू ए ट्वेंटी वन के बराबर होना चाहिए इतना दिख रहा है

डायगोनल की वैल्यू कुछ भी वैल्यू रहे मतलब डायगोनल की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो एक ए मैट्रिक्स है इस डायगोनल की वैल्यू अल्फा बीटा कुछ भी रख दो आप लेकिन यहां पे जो वैल्यू है ये अगर ये अगर है तो ये भी एक्स होगा ये क्लियर है अल्फा बीटा एनी वैल्यू तो डायगोनल की वैल्यू जो होना चाहिए एनी वैल्यू यस ये और ऊपर वाली वैल्यू सेम होना चाहिए कभी कभी आप ये भी बोलते हैं कि यार ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ये आपके पास अपर ट्रेंगुलर एलिमेंट अपर ट्रेंगुलर एलिमेंट अपर ट्रेंगुलर जब बनता है तो इसका एलिमेंट होता है वो ऊपर वाला यह आपके पास क्या है बोले लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट मस्त बात कर रहे हो सर आप हा मतलब आपके पास सेम होना चाहिए मतलब मिरर इमेज होना चाहिए मतलब अपर ट्रेंगुलर एलिमेंट यूटीई इक्वल टू एल्टी होना चाहिए नहीं हाँ मतलब सर दोनों एक्स मतलब मिरर इमेज होना चाहिए सर ऊपर और नीचे डायगोनल के ऊपर और नीचे मतलब जो ट्रेंगुलर अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर की जो एलिमेंट्स है वो मिरर इमेज होना चाहिए तो mirror image, हाँ। तो two cross two तो मिरर इमेज क्रॉस सर आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो टू क्रॉस टू तो मैं ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ ऐसे डिजाइन कर सकता हूं इसका मतलब ये हुआ कि मैं वैल्यू तो कुछ भी रख सकता हूं ए की वैल्यू अगर मैं ऐसा जमा रहा हूं तो सर अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी रख दिया सर ये वन रख दिया तो ये भी वन हो जाएगा बट ये टू रखूंगा तो ये टू रखना पड़ेगा यस सर इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो आप सेम भी रख सकते हो ये जीरो रख लिया तो भी कोई इशू नहीं है ये दस रख लिया ये बीस रख लिया तो भी कोई इशू नहीं है अगर ये माइनस फोर है तो ये भी माइनस फोर होना चाहिए मतलब ओवरऑल इन वैल्यू पे ध्यान देना है आपके पास कि ये वैल्यू सेम होना चाहिए दिस वन ये 12 और ट्व 12 और और ट्वेंटी सेम होना चाहिए जब टू क्रॉस टू की बात करते हैं तो और ये बड़ा सिंपल होता है कोई भी वैल्यू डायगोनल में कोई भी वैल्यू क्योंकि जब भी आप ट्रांसपोज तो सिर्फ और लोग इंटरचेंज होते हैं क्रॉस में जगह रहता और 22 है और ट्वेंटी टू की जगह भी वही रहती है क्योंकि टू क्रॉस टू है बट जब मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाता हूँ क्या बढ़ाते जाता हूँ जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स की वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री ओके तो थ्री क्रॉस थ्री में क्या लिखेंगे सर ग्यारह हाँ बारह तेरह फिर इक्कीस बाविस तेवीस इकतीस बत्तीस और तैतीस इसमें से डायगोनल एलिमेंट्स कौन से ये डायगोनल एलिमेंट्स है यार ये डायगोनल एलिमेंट ऐसा कर देता तो। हूं ये डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है सर ऊपर के जो ग्रुप है ना ये ये ऊपर का ग्रुप जो है अपर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स क्योंकि अपर मैट्रिक्स बन जाएगा ऊपर से और ये लोअर ट्रेंगुलर 13 और 23, 21, 31 और 32 के बराबर होगा मतलब सर मतलब तो सिंपल दिख रहा है क्या मतलब सिंपल दिख रहा है सर मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मतलब सिंपल दिख रहा है मतलब सर ए बारह ए इक्कीस के बराबर होना चाहिए सर

मिरर इमेज होना चाहिए ऊपर और नीचे के मिरर इमेज डायगोनल के डायगोनल के मिरर इमेज होना चाहिए डायगोनल में जब ट्रांसपोज के बराबर होगा जब रोअ कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल है लेकिन मैं तो इसलिए सब बातें इस तरीके से कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि जब कुछ बहुत अच्छे से बात करेंगे तो फिर ट्राई करेंगे घुमाने के क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि टीचर भी घूम जाएगा एलिमेंट है है। वाइज लोग ज्यादा सोचते नहीं अच्छे से तो अगर मैं ध्यान देखूंगा तो देखो, यहां पे अगर आप ध्यान देखोगे तो वन फोर सिक्स लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट ये टू थ्री जो है ये टू थ्री फाइव हो गया अगर मैं इसको मिरर इमेज करूंगा तो ये रो जो कॉलम बन गया ये फाइव इधर आ गया ये देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम आ गया तो ट्रांसपोज सेम तभी आएगा जब अपर ट्रेंगुलर के एलिमेंट लोअर ट्रेंगुलर के एलिमेंट के बराबर होंगे तो पक्का है कि ट्रांसपोज सेम आएगा और ट्रांसपोज अब सेम आएगा तो सर ग्यारह बाईस और तैंतीस अपनी जगह पे होते हैं सर उनको इशू नहीं होता है ग्यारह बाईस जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्योंकि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना सर तो वो एलिमेंट उसी जगह पे रहते हैं मतलब अगर मैं इसको ट्रांसपोज ले लू इस ए मैट्रिक्स का इसका तो सर 11, ट्वेंटी टू और थर्टी थ्री ये चेंज नहीं होते तो डायगोनल एलिमेंट्स विल नॉट चेंज उनकी पोजीशन वही रहेगी बस जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं तो ये बारह और ये तेरह यहाँ आ गया ओके और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया सेकेंड रो ये ट्वेंटी वन यहाँ चला गया ट्वेंटी थ्री यहाँ वहां चला गया अगर ये दोनों सेम है, ये लिखा मैं। अगर ये दोन सेम है तो ठीक है सर ओके कोई नहीं है इसमें नहीं मेकोन लगता कोई होना चाहिए सबसे आसान क्या लगता है ट्रांसपोर्ट इक्वल टू सबको बच्चे बच्चे को पता है लेकिन फिर मेरे को पता है क्या होने वाला है करके इसलिए मैं शुरू से ही अच्छे से मैनेज कर रहा हूं कि मेरे को क्या बोलना है करके इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स द लोअर ट्रेंगुलर मस्ट बी द मिरर इमेज ऑफ अपर ट्रेंगुलर यूजिंग द डायगोनल ऐसे मिरर तो डायगोनल अगर मिरर है डायगोनल अगर मिरर है तो अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर के एलिमेंट्स बोल सकता हूं वो मिरर इमेज होंगे अगर ये मिरर है तो वो आपके पास सेम वैल्यू होंगे ठीक है सर ओके इट्स गुड पॉइंट गुड पॉइंट ओके आगे बढ़ते आगे बहुत सारी बातें कि सर अगर ए ये होगा तो वो होगा ये होगा तो वो होगा बहुत सारी बातें हाँ बहुत सारी बातें ठीक है बहुत सारी बातें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है देखेंगे आप अगर मैं आपसे बोलूं कि सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं ठीक है वन टू टू ले लिया और ये थ्री ले लियो। लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया ठीक है बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ वो भी सीमेट्रिक्स ले, ले लेता हूँ टू थ्री थ्री और फोर देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया यस yes, सर hmm. अगर मेरे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो सेम ही आएगा अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो यही वैल्यू एलिय आ जाएगी बोला क्योंकि हमको पता ही है कि वन टू और टू थ्री ये ये इतना आ जाएगा ठीक है सर अगर मैं बोलूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा ए ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से क्या आएगा अच्छा क्या आएगा दो, दो दो चार दो दो चार और तीनों तीन, तीन छ क्या ये जो एक नया मैट्रिक्स बना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाँ ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस एम मतलब किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से भी सिमेट्रिक बनता है हाँ तो फिर तो सबट्रैक्ट करने से भी सिमेट्रिक बनता होगा देख लेते अगर मैं सबट्रैक्ट करता तो क्या होता अच्छा सबट्रैक्ट करते तो वन माइनस वन जीरो ट्रांसपोज था आपके पास और टू माइनस टू जीरो और थ्री माइनस थ्री जीरो तो जब ट्रांसपोज जब सेम आएगा तो जब सपरेट करोगे तो पूरे एलिमेंट जीरो जाएंगे मतलब सर इससे क्या अच्छा, इससे क्या इससे बना अच्छा तो। तो तो हो गया ठीक है सर बी बाद में करते। अगर मैं बोलूं कि सर ए इंटू ए ट्रांसपोज करे तो क्या होगा अच्छा ए इंटू ए ट्रांसपोज करे तो मल्टीप्लाई करो वन टू को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू और छ आठ फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू और सेकंड रो सेकंड कॉलम चार और नौ तेरह पता जब मल्टीप्लाई किए तो ए इंटू ए ट्रांसपोर्स ही आया क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए करता तो अच्छा ए ट्रांसपोज इंटू ए करते तो वैल्यू तो, तो वही है वैल्यू तो वही अगर वन टू को वन टू से किया जाए तो ए ट्रांसपोर्ट इंटू ए और ए ट्रांसपोर्ट इंटू ए करोगे तो वैल्यू तो वही आएगी यस वही वैल्यू आएगी तो कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज करो A A करो चाहे वैल्यू सेम बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट और ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ध्यान से देखते रहिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ठीक है अब अब अगर मैं बोल रहा हूं कि जब आप ले ही लिए हो होटी हुआ ना अच्छा नाइन्टी नाइन हो गया नाइन्टी नाइन कैसे पहुंच गया है? जल्दी नहीं पहुंच गया नाइन्टी नाइन थी हाँ कितना तो दो चार पेज तो डिलीट करते कुछ तो बातें कर लेते अपन कर हाँ आ जा कुछ कुछ डिलीट कर लेते हैं हुए अपन लास्ट के दस पंद्रह पे पर जिसने हटा दे हाँ ये हटा दे सब हाँ हाँ आजा, 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 आ जाए सामने आ जाए कोई सुन हाँ करते जाओ ये भी ये भी ये भी ये भी आ, हाँ, ये भी आ, ये ना इसके बाद एक ये भी कर हाँ ये भी कर ये भी, ये भी ये भी कर ये भी कर आ, बस हाँ ये पे था हाँ यहाँ पे थे अपन ये देखो जरा ध्यान से तो मैं बोल रहा था यार देखो ए ये सब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं आपके पास अब अब

तो जो जो हमको बात करना है कर लेते हैं मैट्रिक्स कितना था मेरे पास बोले सर वन टू था और टू थ्री था क्या क्या निकाल लिया अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये पता चल गया यस सर ए इ ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये भी पता चल गया चलो अगर मैं इसका एडजॉइंट करूं तो क्या होगा सर एडजॉइंट ऑफ ए करोगे तो क्या होगा थ्री वन हो जाएगा माइनस टू और माइनस टू हो जाएगा ये बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं बोले सर ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है इसका अगर मैं इनवर्स करूं तो क्या होगा इनवर्स होगा सर एट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट अब डिटरमिनेंट तो माइनस टू है माइनस टू से डिवाइड करो जरा इस वाले को माइनस टू से डिवाइड करो क्योंकि नहीं नहीं इसका डिटरमिनेंट कितना था इसका डिटरमिनेंट कितना था थ्री माइनस फोर ना इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हाँ हाँ इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है थ्री -4, मतलब सर ठीक है तो -1 से डिवाइड करते थ्री माइनस थ्री हो गया माइनस टू टू हो गया माइनस टू टू हो गया और वन माइनस वन हो गया ध्यान से। भी का क्या है यस इंटरेस्टिंग चीजें मिलते जा रही है अब आपको ध्यान से देखना कि इसका मतलब है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एड भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब दोनों को ऐड करते हैं तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब ट्रांसपोज और एक को मल्टीप्लाई करते तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ठीक है

अगर मैं आपको बोलूं कि एक ए मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वन टू टू थ्री हाँ बी मैट्रिक्स क्या लिया था मैं टू थ्री और थ्री फोर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यस अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो रहा है सर ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे तो वन टू टू थ्री का मल्टीप्लाई कर रहे तो टू और सिक्स एट सर सही है वन टू का थ्री फोर से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एट और थ्री इलेवन सर ये और टू थ्री को मल्टीप्लाई किया तो फोर और नाइन थर्टीन ठीक है और टू थ्री को मल्टीप्लाई किए तो सिक्स और 12 एटीन देखो ये ए भी आया ये देखो क्या ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं सर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ए और बी सिमेट्रिक है चलो बीए करते हैं अपन बीए करते हैं बीए में टू थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 और 2 8 आ रहा है सर सही है 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 9 13 आ रहा है सर ये और थ्री फोर का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो थ्री एट और थ्री इलेवन आ रहा है और थ्री फोर का मल्टीप्लाई करेंगे छह अठारह देखो बी आ गया इसका मतलब है क्या बी ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं क्या ए बी इक्वल टू बी ए है अगर ए और बी दोनों सीमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आंसर इज नो ये इंपॉर्टेंट ये, ये है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या टू बी ए सकता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पता आपके पास ए बी सीमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा अदरवाइज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ये.

सर तीन और दो पांच हाँ और सर चार और तीन सात सर क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाँ सर इसका मतलब ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हाँ होगा अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो क्या ए बी प्लस बी ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए बी प्लस बी है अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देखो आठ और आठ सोलह तेरह और ग्यारह चौबीस ग्यारह और तेरह चौबीस और अठारह और अठारह थर्टी सिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कितना इंटरेस्टिंग बात है बताओ कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक सैट्रिक्स हो गया लेकिन हो सकता है किसी को ये डाउट आ जाए कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं जबकि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है लेकिन ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो जब इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना तो लोगों को क्लिक नहीं करता फिर लोगों को लगता है कितना हम याद करके जाएंगे फिर एग्जाम में आंसर देंगे पागल हो जाएंगे बोल रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास ए बी माइनस बी है आपके पास इसकी, सिमे, इसकी चीजों को छोड़ दे रहे करते तो ए बी था और ये बी ए था अगर आप एबी माइनस बी ए करते तो क्या होता अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं ए बी माइनस बी ए करता तो क्या होता ए बी प्लस बी ए किया तब तो ठीक है अगर ए बी माइनस बी ए करता तो आठ माइनस आठ जीरो ग्यारह माइनस तेरा करते माइनस टू आता तेरह माइनस ग्यारह करते तो कितना आता? टू। देखो, -B -B और करते से फिर इसकी सीमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है इसलिए मैं भी इसकी सीमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा प्रॉपर्टी लिखी हुई इट्स ओके okay। जैसे मैं इसकी सीमेटिक मैट्रिक्स की बात करूंगा तो फिर फिर से वापस आऊंगा क्योंकि की हम इसकी सीमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही बात करते हैं अभी हम सीमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ये देखिएगा ध्यान से अब देखो आपके पास ए ये था क्लास एंड करेंगे अपन। ए मैट्रिक्स ये था ए मैट्रिक्स क्या था सर वन टू टू थ्री फिर बी मैट्रिक्स क्या था सर टू थ्री और फोर सर ठीक है चलो बताओ ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर क्या होगा सर ए स्क्वायर होगा वन टू टू थ्री हाँ वन टू टू थ्री ठीक है चलो तो क्या हुआ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन और फोर फाइव फर्स्ट और सेकेंड कॉलम दो छ और दो आठ सर हाँ फिर सेकेंड रो दो और छ आठ और फिर ये चार और नौ तेरह सर देखो आपके पास ए स्क्वेयर जो है ये देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर देखो आपके पास एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है सीमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास ये सर अगर मैं एक क्यूब करूं तो अच्छा एक क्यूब करना चाहते हो तो a क्यूब करने के लिए 5 8 और 8 13 तो आ चुका था एक और मल्टीप्लाई कर दो मतलब 1 2 2 3 का क्या होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पांच और सोलह, सोलह और पांच, 21 हाँ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 24 और 10 34 चेक कर लेना एक बार फिर ये कितना हुआ 26 और 8 26 और 8 34 और ये हुआ 39 और 16 थर्टी नाइन और सिक्सटीन थर्टी फोर्टी और सिक्स फिफ्टी सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि अगर A आपके पास एक है, कितनी इंटरेस्टिंग है, तो ए स्क्र ए क्यूब ए की पावर के कुछ भी करो यार ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाले ये सब सिमेटिक मैट्रिक्स होने वाले इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। तो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था आपके पास कि अगर ये सब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाले हैं। ये। एक ही पावर एन एट ज्वाइंट ए और फिर कुछ कुछ बातें इसकी सिमेटिक मैट्रिक्स की तो उसके बारे में वो ना करें आप यही हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं और एग्जाम का फेवरेट पार्ट है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक तो हमको बहुत आना चाहिए अब मैं अगर बोल दूं कि एन क्रॉस एंड एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने आपके पास पॉसिबल है आपके पास एक एन क्रॉस एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तो ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन जीरो एलिमेंट्स एन n टू एन प्लस वन बाई टू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे अगर मैं बोलू एग्जाम्पल ले लू कि एक मैट्रिक्स ए है वन क्रॉस वन का तो वन क्रॉस वन में कोई भी एक नंबर पुट कर दो टेन एक ही नंबर है नॉन जीरो कोई भी एक नंबर अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को टू क्रॉस टू का करना है टू क्रॉस टू का करना है आपके पास टू क्रॉस टू का तो देखो एलिमेंट्स कैसे होंगे सर तो टू क्रॉस टू में आप बोले थे कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ऊपर का जो एलिमेंट्स होगा सेम होगा तो अल्फा और बीटा सर एनी वैल्यू एनी वैल्यू और मैक्सिमम नंबर आप बोला आपके पास कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन जीरो सर अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा तो आपके पास पता है नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है नॉन जीरो वैल्यूज जो आपके पास ये टेन था अब नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है नॉन जीरो वैल्यूस सर नॉन जीरो वैल्यूस एक अल्फा बीटा मतलब तो हो सकती है और एक्स ये मतलब कितना हुआ ये सर थ्री वैल्यू थ्री वैल्यू थ्री एलिमेंट्स ओके थ्री एलिमेंट्स

ए थर्टीन है रहा हूं, तो पता है ए ट्वेल्व लिखूंगा मैं हाँ ना भाई और ए थर्टीन लिखूंगा सही है सर ए ट्वेंटी टू डायगोनल तो कुछ भी हो सकता है ए ट्वेंटी थ्री बिल्कुल सही है ये ए ट्वेंटी थ्री लिखूंगा क्यों क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनना चाहिए और ए थर्टी थ्री पता आपके पास अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो अगर आप इंटरेस्टिंग देखोगे तो ये देखो डायगोनल में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं द डायगोनल एलिमेंट्स थ्री नॉन जीरो मैक्सिमम पॉसिबल है तीनों नॉन जीरो ठीक है और सर ऊपर के तीन जो एलिमेंट्स है ये तो तीन हो गए वन टू थ्री वन टू थ्री सर और सर ऊपर के जो सर ये सर नॉन जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम नॉन जीरो फोर फाइव सिक्स सर फिर सर सेवन एट नाइन नहीं 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 ये तो फोर फाइव सिक्स वही है तो टोटल आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बोले सर छह नॉन जीरो एलिमेंट्स की हेल्प से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं तो छे है सर अच्छा छ है हाँ सर छे है सर देखिए ना वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ये जो फोर है सर यही तो फोर है ना सर और जो फाइव है सर यही तो फाइव है सर सिक्स है यही तो सिक्स है सर हाँ ये बात तो सही है अच्छा तो फिर तो फिर ए क्रॉस फोर अगर मैं लिख दू ए आई जे ध्यान देखना आप अब देखना ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह ठीक है सर ध्यान से लिखना सब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सर बारह लिखो यार आप हाँ तेरह लिखो और चौदाह लिखो ठीक है सर सेकेंड रो लिखना बारह के बाद मतलब इक्कीस है बाईस

फोर्टी फोर तो डायगोनल एलिमेंट है सर सही है देखो जरा ध्यान से ये डायगोनल सर अच्छा हाँ इलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री और फोर्टी फोर सर कितने एलिमेंट सर चार सर एक दो तीन और चार सर ठीक है फिर फिर सर देखिए सर ये बारह पांचवा एलिमेंट तेरह छठवा एलिमेंट चौदह सातवा एलिमेंट तेवीस आठवां एलिमेंट चौबीस नौवा एलिमेंट थर्टी फोर दसवा एलिमेंट सर ये जो बारह वो, वो एलिमेंट है जो पांचवें नंबर पे रखा था सही है तेरा वही है सर सर जो जो छठवें नंबर पे रखा था वही वही है तेवीस है आठवें नंबर पे रखा था सर अच्छा हाँ और सर चौदह वही है सर जो सातवें नंबर पे रखा था सही और और सर चौबीस वही है जो नौवे नंबर पे रखा था और थर्टी फोर वही है सर जो दसवें नंबर पे रखा था पता सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दस है सर दस अच्छा बहुत मस्त चीज है अब वो अगर मैं बोलूं कि यार ए एन क्रॉस एन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल की हेल्प से बनाना है कितना था भाई सर एन इन टू एन प्लस वन बाई टू क्या ये सही है हाँ सर कैसे अगर ये वन क्रॉस वन होता तो

अच्छा थ्री क्रॉस थ्री का बनाते तो हैं अच्छा, तो फिर तो यार्लसा डिवाइड बाई टू कितना आता दस सर देखो ध्यान से सही है सर वन का एग्जाम्पल आप बताए थ्री का एग्जाम्पल बताए सिक्स का बताए इवन टेन का बताए सर ये ये आपको किसी की कॉपी में नहीं मिल सकता इतने अच्छे से ज्यादा से ज्यादा कोई फॉर्मुला लिखा सकता ऐसा मैं सोचता हूँ कोई बता दे तो बता दे बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये किसी के पास हो गया तो फॉर्मुला भी नहीं होगा या तो कोई बहुत अच्छा पढ़ाता होगा तो फॉर्मूला होगा लेकिन किसी को ये पता हो कि हाउ हाउ तो मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल है क्या बोलते हो इसके बाद भले चाहे सब लोग फॉलो करेंगे मेरे को पता है कि जितने भी लोग पढ़ाते होंगे सब देख रहे होंगे सब चीजों को कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और कहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ बट इट्स ओके कोई इशू नहीं है हाँ ये देखिए ध्यान से अरे देखिए ध्यान से देखिए मस्त है कि नहीं तो एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है न, अच्छा चीज है सर एकदम ही देखो जरा ध्यान से ठीक है जैसे जैसे सब वीडियोस को देखते जाएंगे लोग लोग और ज्यादा प्यार करना चालू करेंगे अभी तो बहुत सारे लोग लेक्चर जीरो लेक्चर वन में ही है वो तो अभी आगे बढ़े नहीं है ना जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो लोग खुश हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में स्क्यूसीमेटिक मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा स्क्यूसीमेटिक मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में ये स्क्यूसीमेटिक मैट्रिक्स तो कल मैं स्क्यूसीमेटिक मैट्रिक्स ही ले लेता हूं सोच रहा हूं तो कल मैं कल ही स्टार्ट करता हूँ कल मैं इसकी मैट्रिक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक मतलब में है तो कल ही मैं इसकी मैट्रिक्स पढ़ा देता हूं। और जितने भी टाइप के स्क्वायर सब ले लेता हूँ एकदम कल तो मजा ही आ जाएगा सब ले लूंगा कल मैं आर्थोगोनल से लेके सब कुछ आईआईटी वाले क्या पूछते हैं वो भी दिखा दूंगा सब बता दूंगा कल मैं ठीक है ठीक है तो कल अपन यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक खत्म किया अपन ठीक है तो उसका पीपीटी जो बनाएगा तो यहां तक यहां से कल चालू करेंगे ठीक है गेप नहीं गेप मैटर नहीं करता यार आईटी में गेप मैटर नहीं करता डोंट वरी फॉर दैट चलो आज की क्लास एंड करें यार आज की क्लास एंड करें नाइन फिफ्टीन हो गया ठीक है आज की क्लास एंड करते कल अपन इसकी सीमेटिक की बात करते ट्राई करता हूं कि कल ही क्लास रख लेता हूं चलो मेरा काम होते जा रहा है मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं मतलब ये सब मेरे को इतने अच्छे से नहीं पता था पहले मतलब मैं ऐसे जब ऐसे टीचर भी बरसों पहले जब मैथ्स का टीचर था बहुत मेहनत किया हूँ कि तो तो आपको कि इंटरेस्टिंग मेरे को बहुत मजा आ रहा है ठीक है चलेगा ठीक है चलो आप कमेंट्स करते रहना आपका मन करे तो आपको लगता है कि ऐसा चीज कभी नहीं देखे वैसे तो मैं कंफर्म हूं कि नहीं देखे होंगे इतने अच्छे से आप अपनी आई की कॉपी भी कंपेयर कर लेना अगर कोटा पढ़े होंगे या दिल्ली कहीं पर भी आई आई पढ़े होंगे तो उनकी भी कॉपी होगी आपके पास ठीक है उनसे भी कंपेयर कर लेना मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप जिंदगी में किसी से भी मैट्राइसिस पढ़े हो मेरे पढ़ने के बाद आपको हमेशा फील होगी मैं से अच्छा मेट्राइसिस कोई नहीं पढ़ा है ऐसे ही मैं हर टॉपिक में ट्राई करूंगा बट ट्राई ही कर सकता हूं तो लेट्स सी क्या होता है आगे चलो आज की क्लास एंड करते हैं ओके थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल गुड नाइट टेक केयर बाय बाय जय हिंद